हाय गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सब? सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास. टुडेज क्लास बोल दो या फर्स्ट क्लास बोल दो, एंड वेलकम टू द बैच नंबर 5. यस, जैसे हम तंबोला खेलते थे, हाउजी खेलते थे, तो उसमें होता था ना लकी 5. सो दिस इज द लकी 5 बैच दैट यू आर अटेंडिंग राइट नाउ. सबसे पहले तो दोस्तों जोश में आ जाओ पूरे वाले, बिकॉज अब हम शुरुआत करने वाले हैं बहुत ही प्यारे सब्जेक्ट की, जो एक वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट रहा है थ्रू आउट द सीए जर्नी. मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन भी दूंगा, बट बिफोर दैट आई वॉन्ट टू नो यू ऑल. वेन द क्लास स्टार्टेड, अरे अभी तो क्लास शुरू हुई है, आप इतना क्यों टेंशन ले रहे हैं कब से क्लास स्टार्ट हुई है? अभी अभी क्लास स्टार्ट हुई है निकुंज भाई. सो एक बार मैं सबको जानना चाहूंगा, आप कौन हैं, आप कहां से हैं, जल्दी से एक बार अपनी फटाफट चैट बॉक्स में लोकेशन बता दीजिए, सो दैट आई गेट टू नो इंडिया में बाहर से लोग कहां कहां से आए हैं, ताकि हमको भी पता चल जाए यार कौन कौन ये क्लास इस टाइम पे देख रहा है. क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? फटाफट बताइए यस और नो. आर यू ऑल एबल टू हियर मी? क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? नहीं. ऑडियो वीडियो इज एवरीथिंग फाइन? जस्ट लेट मी नो राइट नाउ. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन. जी हां, बताइए फटाफट. ओके, सो सबसे पहले हापुड़ यूपी, छत्तीसगढ़, रायपुर, बेंगलोर, ग्रेट, कोलकाता, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, पुणे, बहुत बढ़िया, उदयपुर, क्या बात है, अहमदाबाद, क्या बात है, अहमदाबाद, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोलकाता, चलो जी, आई थिंक कोलकाता से काफी लोग आए हैं, पटना, भाई साहब क्या बात है, बिहार से भी वी हैव स्टूडेंट्स हियर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ग्वालियर, गुवाहाटी, चंडीगढ़, लखनऊ, वाराणसी, ग्रेट, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, हरियाणा, आहा, तो हरियाणा तो यार तुम तो पास में ही हो, हरियाणा तुम तो बहुत पास में हो, यहां से हरियाणा कितना ही दूर है, क्या बात है, करनाल और इंदौर भी है, बहुत बढ़िया, हैदराबाद, कोलकाता, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो गाइस, वेलकम टू द बैच. विदाउट टेकिंग मच अडू, लेट्स बिगिन द जर्नी ऑफ सीए फाइनल ऑडिटिंग. ग्रेट यार, आई थिंक कोलकाता से तो बहुत ज्यादा हो गया, गाजियाबाद, इंदौर, तो गाजियाबाद तो भाई नोएडा के तो तुम बहुत ही ज्यादा नजदीक हो, हम तो कभी भी कहीं पे भी कैसे भी मिल सकते हैं, क्या बात है. मुंबई इज ऑल्सो देयर, बहुत ही बढ़िया, ग्रेट. सो गाइज, लेट्स यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे, अब यहां पे फोकस करके चलेंगे, ठीक है सर. तो बात कर लेते हैं सबसे पहले सीए फाइनल ऑडिटिंग की, और उससे पहले मैं आपको एक अपना छोटा सा प्यारा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं, सो दैट आपको जो पता चल जाए मैं कौन हूं, मैं कहां से हूं, वट एम आई डूइंग हियर, एंड कैसे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं आपकी इस जर्नी में ऑफ द सीए फाइनल ऑडिटिंग. सो गाइज, माई नेम इज शुभम केसवानी, बाय प्रोफेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड आई क्लियर माई सीए फाइनल एग्जामिनेशन इन द नवंबर 2020 अटेम्प्ट. अभी जैसे 2022 चल रहा है, 2020 में जो नवंबर 20 का एग्जाम था, दैट आई क्लियर. अब एक बात बताओ सर, आप हमको ऑडिट पढ़ाने वाले हो, आपके ऑडिट में कितने नंबर आए थे? जेन्युइन क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हो मुझसे, ये क्वेश्चन तो लाजमी है आपका मेरे से पूछना. तो मैं सबसे पहले बता देता हूं ऑडिटिंग का, मेरा और ऑडिटिंग का रिश्ता सबसे पहले बना आईपीसीसी में, आप उसको सीए इंटर बोल लो, आईपीसीसी बोल लो. सो आई सिक्योर्ड 66 मार्क्स, दैट्स एन एग्जेम्पशन इन सीए, जो हम सब समझते हैं कि 60 मार्क्स इज एन एग्जेम्पशन. फिर सीए फाइनल में जो भी पूरा मैंने ऑडिट संभाला, दैट ऑल आई डिड सेल्फ, वो मैंने खुद संभाला बैठ के, खुद अपने हिसाब से, उससे मैंने खुद जूझा, आप इसको वर्ड यूज कर सकते हो, दैट आई स्ट्रगल्ड ऑन माई ओन, एंड अल्टीमेटली आई वॉज एबल टू सिक्योर 71 मार्क्स इन सीए फाइनल ऑडिट, एंड दैट वॉज द मेन रीजन दैट आई वॉज एबल टू सिक्योर एन ऑल इंडिया रैंक 8 एट द सीए फाइनल लेवल. सो अब एक बात बताओ सर, आपका क्या नजरिया है ऑडिट को लेकर? यार देखो, मेरा नजरिया ऑडिट को लेकर सिंपल है, ये चीज बड़ी मस्त है, ये चीज बड़ी है मस्त मस्त, अगर आप इसको एकदम बढ़िया तरीके से समझ गए, अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया, क्या इसकी फील है, हर टॉपिक कुछ कहना चाहता है, हर टॉपिक की एक फील है, वो फील मैं आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा, अगर वो फील आपको आ गई, इसको समझ के रटना मुश्किल काम नहीं है, यू जस्ट गॉट टू अंडरस्टैंड, यू जस्ट गॉट टू लर्न इट, इफ यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, याद रखना मुश्किल नहीं होने वाला. सो विदाउट मच अडू लेट्स बिगिन द जर्नी ऑफ सीए फाइनल ऑडिट. सीए फाइनल ऑडिट आपका 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, सबसे पहली बात, This is the subject for 100 marks. 100 marks का मतलब ये है, जैसे आपका सीए फाइनल FR 100 marks का है, SFM 100 marks का है, Law 100 marks का है, उसी तरह audit भी 100 marks का है. ये चीज याद रखना, because this is the thing that you need to remember, कि भाई ये भी वही subject है जो आपको 100 number
दे सकता है जैसे बाकी सारे सब्जेक्ट दे सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्रेकअप ऑफ 100 मार्क्स। तो अगर मैं 100 मार्क्स के ब्रेकअप की बात करूं, 70 मार्क्स इज योर डिस्क्रिप्टिव, 70 मार्क्स इज योर डिस्क्रिप्टिव। सर डिस्क्रिप्टिव का क्या मतलब है? डिस्क्रिप्टिव का मतलब सिंपल है, क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन के नीचे आपने 4 पॉइंट्स लिखने हैं, 5 पॉइंट्स लिखने हैं, या फिर एक केस स्टडी मिलेगी, उसके हिसाब से चीजों को आपको एक्सप्लेन करके चलना है, यानी आपने चीजें समझानी है एग्जामिनर को कि आप क्या कहना चाहते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर 30 मार्क्स। दीज अदर 30 मार्क्स कंसिस्ट ऑफ योर MCQs एंड दिस इज द गेम चेंजर। जो भी बच्चा ऑडिट में शानदार नंबर स्कोर करने की सोच रहा है उसके लिए मैं बता देता हूं, दीज 30 मार्क्स आर द गेम चेंजर। मैं अगर आपको एक रियल टाइम अपडेट दूं May 22 examinations का, आई हैव नॉट फाउंड अ सिंगल स्टूडेंट हु स्टडीड फ्रॉम अस जिसने मुझे ये बोला हो कि सर मेरे 24 से कम MCQ में आ रहे हैं, किसी ने भी नहीं बोली ये बात। कम से कम 30 में से 24 तो सबने ही मुझे बोला है कि सर पूरे के पूरे MCQs जो भी आपको अभी स्टडी मटेरियल मिलेगा उसी में से थे, एंड अल्टीमेटली 24 तो आपके कम से कम आने ही चाहिए इस MCQ वाले पोर्शन में। अब देखो कितना सिंपल नहीं हो गया, 24 मार्क्स आपके मोटा मोटी MCQ में आ जाएंगे एंड डिस्क्रिप्टिव आपका सिर्फ 70 मार्क्स का है। क्या इस डिस्क्रिप्टिव में हम 70 में से 26 भी नहीं ला पाएंगे? इतनी मेहनत करेंगे कि कम से कम नाना करके 60 मार्क्स हम लेके आएंगे, एग्जेम्पशन तो कम से कम स्कोर करके दिखाएंगे और दिखा देंगे ICAI को, चेंज करा लो अपना सिलेबस, चेंज कर लो अपना कोर्स, हम यहां पे रेडी हैं ऑडिटिंग में एग्जेम्पशन लाने के लिए। राइट सर, सो इसी तरह से आपका पूरा ऑडिटिंग रहेगा, 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव, 30 मार्क्स का MCQs, जो भी आपको मटेरियल मिलेगा। आपका कई बार ये डाउट आ सकता है क्या ये मटेरियल इनफ है, डू वी नीड टू गो थ्रू द ICAI स्टडी मटेरियल, जहां पे जरूरत होगी ICAI स्टडी मटेरियल को रेफर करने की मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। बट बाकी आपको जो भी मटेरियल मिलता है, बीट द नोट्स, बीट द क्वेश्चन बैंक में सारी चीजें आपको कवर्ड मिलेंगी। आपको स्टडी मटेरियल के बैक क्वेश्चंस देखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि दोज हैव आल्सो बीन इनकॉर्पोरेटेड। क्या हमको पास्ट RTPs देखने की जरूरत है? मैं बोलता हूं पास्ट RTPs MTPs देखने के लिए, बट अगेन सिंस हमने उनको एक जगह पे कंपाइल करके दे दिया, दैट्स व्हाई द बुक हैज बीन नेम्ड द ऑडिट कंपाइलर। उसी कंपाइलर में हमने सारी RTPs, MTPs, सजेस्टेड आंसर, स्टडी मटेरियल सबको कंपाइल करके आपको एक जगह दे दिया है, एंड उसी में से मैं आपको रोज एक असाइनमेंट देता हुआ चलूंगा कि भाई आज आपने ये क्वेश्चंस करने हैं। हम रेडी हो चुके हैं, हम हर दिन रेडी हो जाएंगे कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस करने के लिए। बस जैसे ही हम उस चीज को रेडी हो जाएंगे, आपने बस एक काम करना है, वो क्वेश्चंस का सेट खत्म करके चलना है। राइट सर, सो दिस इज ऑल अबाउट CA फाइनल ऑडिट। 100 मार्क्स का, 70 मार्क्स, 30 मार्क्स मैंने आपको एक बार एकदम अच्छे से बता दिया। नाउ लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ ऑडिटिंग, एंड ये जर्नी हम स्टार्ट करें बहुत ही प्यारे ऐसे के साथ जिसका नाम है ऐसे 200। स्टडी मटेरियल अभी तक अगर आपको नहीं मिला है, सो आई गिव यू दिस कॉन्फिडेंस फ्रॉम माई साइड, ये मैं आपको एक कमिटमेंट दे सकता हूं, बाय दिस एंड ऑफ द वीक आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। अभी आप बस यहां पर फोकस करके चलो, और मैं आपको एक बात और बता देता हूं, जब चीजें याद करनी होंगी आई विल टेल यू इन द क्लास। अभी जब तक मैं नहीं बोल रहा चीजें याद नहीं करनी, जस्ट फोकस ऑन व्हाट्स रिटन हियर। जो बातें यहां लिखी है उनको बस मेरे साथ साथ समझते चलो, जितना अच्छे से समझोगे उतनी ज्यादा आपकी जर्नी आसान होगी। पहली क्लास है, वी कीप द थिंग्स लाइट, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, हौले 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 सब चीजें आप तक समझ आती जाएंगी। राइट सर, आ जाओ, इज एवरीवन देयर विद मी फॉर SA 200? फटाफट चैट बॉक्स में लिख दो SA 200 एंड वी बिगिन द क्लास फॉर SA 200। कोई और डाउट आपका किसी भी चीज को लेके है, ऑडिटिंग को लेके, कोई भी छोटी मोटी चीज को लेके, यू कैन टेल मी, यू कैन आस्क मी, और हम यहां पे ऐसे 200 के साथ शुरू कर देते हैं। फटाफट बताइए यस और नो। ओहो, इज एवरीवन रेडी? यस सर, ऐसे 200, ग्रेट सर। CA फाइनल में ऐसे 200 आता है क्या? पूछो मेरे से, क्या CA फाइनल में भी ऐसे 200 पूछेंगे? ये तो इंटरमीडिएट में छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को पढ़ाया जाता है, क्या CA फाइनल में भी ऐसे 200 आएगा? आंसर इज यस। जुलाई 21 एग्जाम्स का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, सबसे पहला क्वेश्चन ही ऐसे 200 का है। मॉक टेस्ट पेपर अप्रैल 22 का उठा के देख लो, सबसे पहला क्वेश्चन ही ऐसे 200 का है। जब ICAI को ऐसे 200 इतना पसंद है, उसको इतनी दिलचस्पी है, तो हम इसमें दिलचस्पी क्यों ना लें? लेट्स बिगिन द गेम ऑफ ऐसे 200। सर ये ऐसे 200 क्या कहता है? ऐसे 200 को हम प्यार से बोलेंगे उइया कासा। सर उइया कासा का क्या मतलब है? ऊ, सर ये हो गया ऊ, ये हो गया या, और सर ये कासा कहां से आया? का से आया, कंडक्ट से का, के सी आया,
ऑडिट का हमने ए लिया एंड स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का एस ए लिया। सो इससे बन गया हमारा उई या कासा। जब भी मैं चीजें बोलूं मेरे साथ आपने दोहरानी है, जो लिखना होगा वो मैं आपको क्लास में बता के चलूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ये काम मेरा है, मैं आपको बताते चलूं कहां पे आपने चीजें नोट डाउन करनी है। जब तक मैं कुछ नोट डाउन करने के लिए नहीं कह रहा तब तक आपने बस कुछ नहीं करना, जो भी बातें मैं बोलता जा रहा हूं जहां पे मैं आपको कहता हूं चीजें दोहराने के लिए, इधर देखो कहां देख रहे हो, क्लास तो यहां चल रही है ना, आप किधर देख रहे हो, राइट, इधर देखो, जहां पे मैं चीजें बोलूं आपने बस उन चीजों को दोहराते हुए चलना है ताकि ये चीजें आपके अंदर समा जाएं। सर उइया कासा का क्या मतलब है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन स्टैंडर्ड एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग इन अकॉर्डिंग विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, यानी जैसा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कहते हैं हम वैसा ऑडिट करेंगे। प्लस ये तो बात इसने बता दी सेकेंड हाफ में, फर्स्ट हाफ में ये बता रहे हैं कि एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर चाहता क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑडिट। पर्पस ऑफ ऑडिट शुरू करने से पहले मैं भी आपसे एक ये सवाल पूछना चाहता हूं, हम ऑडिट कर ही क्यों रहे हैं, ऑडिट की जरूरत ही क्यों पड़ी, व्हाई आर वी स्टडिंग इवन स्टडिंग दिस सब्जेक्ट। सिंपल आंसर, आज एक कंपनी रन हो रही है, उस कंपनी में लाखों करोड़ों रुपए का पैसा लगा है, किसका पैसा लगा है, ओनर्स का पैसा लगा है, ओनर्स ने पैसा लगाया उस कंपनी में, अपने लाखों करोड़ों रुपए मेहनत की कमाई उस कंपनी में लगाई है, कंपनी ने बोला हमने प्रॉफिट किया है, ओनर्स खुश हो गए, ओनर्स ने कहा वाह जी वाह कितनी प्यारी कंपनी है आप, क्या मस्त प्रॉफिट किया है आपने। ओनर्स ने यह बात मान ली, बाद में पता चलता है कि मैनेजमेंट ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए थे वो गलत थे, क्या ओनर्स खुश होंगे या दुखी होंगे, या उनको लगेगा यार ये तो हमारे साथ धोखा हुआ है। तो ओनर्स क्या बैठ के एक एक कंपनी के जिस में उसने पैसे लगाए हैं सबके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक कर सकते हैं? द आंसर इज नो, किसी के पास इतना समय नहीं है। तो वो क्या करेंगे, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट करेंगे। अब ये चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करेगा, ये ओनर्स के बिहाफ पे उस कंपनी के अंदर जाएगा और उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करेगा, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मंगवाएगा, उसको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी आती है, उसको लॉ भी आता है, उसको सारी चीजें आती है, सब कुछ सीख के आया वो सीए फाइनल में, सीए इंटर में। अब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मंगवाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खोलेगा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेगा और समझेगा क्या गड़बड़ है इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अगर उसको कोई गड़बड़ मिलती है ही विल पॉइंटेड दैट टू द मैनेजमेंट एंड फिर वो ठीक करवाएगा, मैनेजमेंट ठीक नहीं करती तो फिर वो अपना ओपिनियन मॉडिफाई करेगा। अगर वो गड़बड़ बहुत बड़ी है, उस बड़ी गड़बड़ को हम अपने ऑडिटिंग के टर्म्स में क्या बोलते हैं, मटीरियल मिसस्टेटमेंट। उस बड़ी बड़ी गड़बड़ को हम अपने ऑडिटिंग के टर्म्स में बोलते हैं मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट से ऑडिटर को फर्क पड़ता है, यह बात आपको भी पता चल जाएगी। बट अल्टीमेटली ऑडिट क्यों हो रहा है, ऑडिट इसीलिए हो रहा है क्योंकि ओनर जाके चेक नहीं कर सकता, तो उसने किसी को भेजा है और वो जाके चेक करेगा। अब सर एक बात बताओ, जिसको भेजा है क्या वो मैनेजमेंट से मिला हुआ होना चाहिए, जल्दी बताइए, क्या वो मैनेजमेंट से मिला होना चाहिए या इंडिपेंडेंट होना चाहिए? इंडिपेंडेंट का मतलब है उसका और मैनेजमेंट का कोई लेना देना नहीं, मैनेजमेंट अगर कुछ बोलती है तो वो उसके बहकावे में नहीं आता। शुड इट बी एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर और अ मैनेजमेंट पे डिपेंडेंट ऑडिटर, जल्दी बताओ, क्या वो ऑडिटर मैनेजमेंट पे डिपेंडेंट होना चाहिए या इंडिपेंडेंट होना चाहिए? सर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। अगर मैनेजमेंट से मिला हुआ होगा तो फिर तो मैनेजमेंट का साथ दे देगा ना, अगर इंडिपेंडेंट होगा तभी सामने वाले की कमियां निकालना पड़ेगा। तो आपने इसमें यही चीज को ध्यान में रखना है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डिंग विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। अब इसने सेकंड वाले पार्ट में क्या बताया, देखो दो पार्ट में है ऐसे, जिस बच्चे को समझ आ रहा है वो समझ लो, ये ऐसे के साथ में दो जीरो क्यों दे रखे हैं, जल्दी सोचो ना, ऐसे 20 भी तो दे सकते थे, एक जीरो से काम चल जाता। दो जीरो का मतलब यही है कि ये ऐसे दो भागों में डिवाइडेड है, दो भागों में डिवाइडेड है, यानी जीरो जीरो से तो बन गए ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। पहले तो आपको यही समझ आ गया कि स्टार्ट कैसे करना है, ऐसे दो जीरो से बने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। तो कल को भी पूछे आपसे ऐसे 200 क्या होता है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा उइया कासा। सर उइया कासा मतलब ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स इज जीरो जीरो, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैसा ऑडिटर, जल्दी बताओ, ऐसा वैसा या इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट ऑडिटर। एंड ऑडिट कैसे होगा, सेकेंड पार्ट कहता है ऑडिट कैसे होगा, ये कहता है ऑडिट होगा एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो इन दिस क्लास वी विल स्पेंड अराउंड 15 क्लासेस ओवरऑल, लगभग हम 15 क्लासेस स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पे लगाएंगे, ठीक है। हमको जानना है ऑडिट कैसे होगा। देखो क्वेश्चन आईसीए जब भी पूछेगा वो यही पूछेगा,
गिव द आंसर एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. उनको नहीं जानना शुभम ने क्या सीखा है आर्टिकलशिप में, उनको नहीं जानना अनिर्बन ने क्या सीखा है आर्टिकलशिप में. एक तो तुम्हारे नाम भी इतने बढ़िया बढ़िया मसालेदार नाम है ना, अवनिका, धनुषा, भाई सीधे साधे नाम नहीं होते, अमन, अनुज, राज, सारे वो नाम तो चले गए. सारे पेरेंट्स को अपनी क्रिएटिविटी बढ़िया वाली दिखानी है. ग्रेट. तो आपने यही चीज समझनी है कि आईसीआई जब क्वेश्चन पूछेगा गिव द आंसर एज पर रेलिवेंट स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, तो आपको वही बात लिखनी होगी जो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग कहता है. आईसीआई को नहीं जानना हम क्या कहते हैं, हम कोई भी नहीं है उनके लिए. स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से हमको गेम चलानी पड़ेगी. राइट सर, ये बात हमको समझ आ गई. एसए 200 का नाम क्या है, एसए 200 का नाम क्या है, जल्दी से मेरे साथ दोहराओ. ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स किसके, ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, पहला पार्ट हो गया. एंड बोलो एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट एज इन अकॉर्डिंग विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, यानी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से हमको ऑडिट करना है. ये बस एसए 200 हमको बोलता है. अब इसमें हम कई सारी बातें करेंगे, और यही बातें हैं जो आपका बेस डेवलप करेंगी. जस्ट टू बी वेरी फ्रेंक, ये बातें आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए. सर कैसे पता होनी चाहिए, क्योंकि यही सेम चीजें आप सीए इंटरमीडिएट में पढ़ चुके हो. अरे सर अब याद थोड़ी रहता है, तभी हम रिवाइज कर रहे हैं. तभी हमने ये जो क्लास की शुरुआत है वो इस ऐसे के साथ करी, क्योंकि ये ऐसे आपको बढ़िया बढ़िया चीजें सिखाएगा. अमित पांडे जी कह रहे हैं मेरा नाम है ना सर अमित, आप मेरा नाम ले लिया करो. बहुत बढ़िया अमित, थैंक्स अ लॉट फॉर दैट. नाउ लेट्स बिगिन विद ऐसे 200. ये कहता है पहली लाइन, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हमको जानने, ये हमको सीधा सीधा बता रहा है. ये कह रहा है इन कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहां पे भी आपको बुक में FS मिलेगा, FS का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मैं बड़ा बड़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बार बार नहीं लिख के दे सकता आपको, तो अब आप इस चीज की आदत डाल लो छोटी छोटी चीजों की, ठीक है. इन कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर आर, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, टू ऑब्टेन अ रीजनेबल अश्योरेंस. रीजनेबल अश्योरेंस पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं. रीजनेबल अश्योरेंस किस चीज को लेके, About whether the financial statement as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or due to error. सबसे पहले हमको लेनी है reasonable assurance. Now what do we mean by reasonable assurance? Book के terms के हिसाब से जाए, reasonable assurance is nothing but a high assurance but not an absolute assurance. It's a high level of assurance but not an absolute assurance. यानी auditor guarantee नहीं दे रहा. ऑडिटर को गारंटी नहीं लेने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट, उसको बस एक रीजनेबल अश्योरेंस चाहिए, उसको एक फीलिंग चाहिए. रीजनेबल अश्योरेंस आप समझ लो, उसको एक फीलिंग चाहिए कि हाँ यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोटा माटी ठीक है. इट्स अ हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस बट नॉट एन एब्सोल्यूट अश्योरेंस. एब्सोल्यूट अश्योरेंस वो नहीं दे सकता. सर एब्सोल्यूट अश्योरेंस वो क्यों नहीं दे सकता, एक बात बताओ, वो एब्सोल्यूट अश्योरेंस क्यों नहीं दे सकता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई भी फ्रॉड, कोई भी एरर की वजह से मिसस्टेटमेंट नहीं है, कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है. पहली बात तो एक बात बताओ, मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्यों लिखा है, सिर्फ मिसस्टेटमेंट क्यों नहीं लिखा. एक बात बताओ, मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्यों लिखा है, मिसस्टेटमेंट क्यों नहीं लिखा. यार बिकॉज मटेरियलिटी का ही तो गेम है. आपको AS1 ने, जो AS1 पढ़ते थे ना जब छोटे छोटे बच्चे थे, याद करो AS1 की कहानियां, उसमें आपको एक मटेरियलिटी करके कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता था. मटेरियल इन्फॉर्मेशन क्या होती है मैं बताऊं, आज मैं एक कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहा हूं, अगर मैं आज उस कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहा हूं और उस कंपनी का रेवेन्यू 1000 करोड़ है, अगर उस कंपनी का रेवेन्यू 1000 करोड़ है तो मैं उसको ध्यान में रखते हुए मैं उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूं. कल को जाके मुझे पता चलता है 1000 में से 400 करोड़ का रेवेन्यू फेक इनवॉइसेस पे बेस्ड है. 400 करोड़ का रेवेन्यू फेक इनवॉइसेस पे बेस्ड है, तो क्या लगता है मेरा डिसीजन बदल जाएगा? जल्दी बताओ क्या मेरा डिसीजन बदल जाएगा? द आंसर इज यस. किसी भी समझदार व्यक्ति का डिसीजन बदल जाएगा. एंड यही मटेरियलिटी कहता है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन एक्सपेक्टेड है टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ इकोनॉमिक इन्वेस्टर इन अ कंपनी, तो वो इंफॉर्मेशन को हम मटेरियल मानेंगे. यानी जो इंफॉर्मेशन मेरे डिसीजन पे, मेरे डिसीजन लेने की जो क्षमता है उस पे इंपैक्ट डाल सकती है, वो मेरे लिए मटेरियल है. अगर ये 1000 करोड़ में से 1-2 करोड़ की सेल खराब निकलती तो क्या मुझे फर्क पड़ता है 1-2 करोड़ से? 1000 करोड़ के हिसाब से 1-2 करोड़ तो कुछ भी नहीं है, नहीं पड़ता फर्क, वो इमटीरियल हो जाता. तो ऑडिटर को सिर्फ और सिर्फ मटीरियल चीजों से फर्क पड़ता है. जस्ट एक्सेप्ट दिस फैक्ट राइट अवे. मिसस्टेटमेंट से फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त, मटेरियल मिसस्टेटमेंट से डर लगता है. वो बोलती है ना रज्जो दबंग में, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है. तो मिसस्टेटमेंट से डर नहीं लगता, मटेरियल मिसस्टेटमेंट से डर लगता है. राइट, ठीक है. तो अब उसको क्या चाहिए? रीजनेबल अश्योरेंस. अब उसको चाहिए रीजनेबल अश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल. सर हम इतनी धीरे धीरे चलेंगे, ऑडिट हो जाएगा. तुम ना मेरे साथ साथ चलो बस. जब तक तुम मेरे साथ साथ चलोगे कोई टेंशन की बात नहीं, आराम से सारी चीजें हो जाएंगी.
जो मैं बातें बता रहा हूं ना उनको बस अपने अंदर ना भी समाने दो। मैं तुम्हारे अंदर का ऑडिटर जगा रहा हूं, तुम्हारे अंदर का वो जो प्राणी है ना जो अभी सोया हुआ है उसको जगाने का समय आ गया, उसके अंदर वो बातें डालने का समय आ गया जो एक ऑडिटर को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी तुम ध्यान से सुनना, यही बातें हर ऐसे में यूज होंगी, यही बातें पूरे ऑडिट में यूज होंगी। सो डेवलपिंग द बेस फॉर होल ऑडिट, जो आगे की 30-35 क्लासेस है उसके लिए अभी बेस तैयार कर रहे हैं, तो करने दो ना यार, आराम से तुम सुनते रहो, प्रवचन ही तो चल रहे हैं और क्या चल रहा है, सुनो आराम से सुनो, जहां मैं बोलता हूं रिपीट करने के लिए वहां रिपीट करना। अब बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। अब ये फ्रॉड और एरर की कहानी आपको कहीं ना कहीं देख के ही समझ आ रही होगी, फ्रॉड क्या होता है, एरर क्या होता है। फ्रॉड इज समथिंग विच इज इंटेंशनल, जानबूझ के की गई गलती, एरर इज गलती से गलती हो गई यार, उसमें किसी का कोई इंटेंशन नहीं था कि कुछ खराब करें। फ्रॉड कहता है कि नहीं यार मेरा तो इंटेंशन ही था कि मैं सामने वाले को बेवकूफ बनाऊं, मैं कुछ ऐसा करूं जिसके बारे में किसी को पता भी ना चले और सारे पैसे मेरे हो जाए। जब ये वाली सोच के साथ कोई एरर किया जाता है तो उसको फ्रॉड कहते हैं। तो फ्रॉड हो या एरर हो, हमको मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फर्क पड़ता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल शुड बी फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इसके लिए हम रीजनेबल अश्योरेंस लेंगे। अब एक बात बताओ, रीजनेबल अश्योरेंस क्यों ली जा रही है इतनी देर से, रीजनेबल अश्योरेंस की बात करिए। पहली बात तो मीनिंग ऑफ रीजनेबल अश्योरेंस, फिर से ये बात मेरे साथ बोलो जल्दी से, इट्स अ हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस बट नॉट एन एब्सोल्यूट अश्योरेंस। इट्स अ हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस बट नॉट एन एब्सोल्यूट अश्योरेंस। फिर से मैं पूछता हूं आपसे क्वेश्चन, रीजनेबल अश्योरेंस क्यों ली जा रही है? बिकॉज हम गारंटी नहीं दे सकते। हम गारंटी क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि हम पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक नहीं कर सकते। सर आप पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक क्यों नहीं कर सकते, क्यों आप गारंटी नहीं दे सकते? सिंपल आंसर इज आइला। सर आइला, सचिन कहां से आ गया? आइला यानी इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। चलो जल्दी से देखो ये इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग क्या कहती है। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग बेसिकली आपको एक बात समझाती है कि दैट यू कैन नॉट रिड्यूस योर ऑडिट रिस्क टू जीरो। सर अब ये क्यों नया टर्म क्या आ गया, ऑडिट रिस्क? ऑडिट रिस्क का अभी आप मतलब एक सिंपल समझ लो कि ऑडिटर इज गिविंग अ रॉन्ग ओपिनियन। इसका सिंपल मीनिंग है कि ऑडिटर एक गलत ओपिनियन दे देगा, इस रिस्क को ऑडिट रिस्क बोलते हैं। तो ये कहता है ऑडिट रिस्क कैन नॉट बी रिड्यूस टू जीरो, ऑडिटर हैज टू ऑब्टेन अ रीजनेबल अश्योरेंस। ये सारी चीजें, सारी की सारी चीजें बॉइल डाउन होके एक ही आंसर पे आएगी कि देयर आर सम लिमिटेशंस टू ऑडिटिंग। सर ये क्या लिमिटेशंस है? पहली लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं। ऑडिटिंग किसकी हो रही है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की नेचर ही ऐसी है कि उसमें कई जगह मैनेजमेंट को एस्टीमेट्स बनाने पड़ते हैं, जजमेंट्स बनानी पड़ती हैं। अब अगर जजमेंट्स और एस्टीमेट्स का गेम है तो मैं कैसे कह दूं कोई कितना सही है कोई कितना गलत है? हल्की फुल्की एस्टीमेट्स और जजमेंट्स तो ऊपर नीचे हो ही सकती हैं। तो मैं तभी तो बोल रहा हूं रीजनेबल अश्योरेंस दे देते हैं, एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं देते। तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स अ जजमेंट बाय द मैनेजमेंट इन अप्लाइंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ। सर एक बात बताओ, ये एफआरएफ कौन सी बला है? क्या आप मुझे बता सकते हो एफआरएफ कौन सी बला है? तो मैं आपको बता देता हूं, एफआरएफ का मतलब होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एफआरएफ यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। सर ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है? क्या आपने इंडियंस पढ़ी? क्या आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े हैं? क्या आपने इनके साथ इनका स्केड्यूल 3 पढ़ा है? स्केड्यूल 3 क्या करता है? सर ये फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, फॉर्मेट ऑफ पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारी बातें हमको बताता है। क्या ये आपको एक फ्रेमवर्क दे देता है कि इस तरह से आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने? द आंसर इज यस। तो इस एफआरएफ को आप जानते हो स्केड्यूल 3 के नाम से, इसको आप जानते हो एएस के हिसाब से, इसको जानते हो आप इंडियंस के हिसाब से। तो दिस इज द एफआरएफ, कि इस एफआरएफ के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं। तो इन्होंने बोला फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के नेचर में क्या गड़बड़ है कि यार जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम चेक करना है उसमें जजमेंट इन्वॉल्व है, क्योंकि जजमेंट कब लगती है? जब मैनेजमेंट बना रही होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग एस्टीमेट्स, जब भी अकाउंटिंग एस्टीमेट्स की बात आएगी जजमेंट की बात आएगी। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, जल्दी से सारे बच्चे मेरे साथ दोहराना, अब मेरे साथ बोलो पहला पॉइंट क्या हो गया इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग का, द नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम चेक करने आए उसकी नेचर की वजह से। सेकंड पॉइंट बताओ। सर सेकंड पॉइंट ये है, एक तो हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको हम चेक करने आए हैं, दूसरा हो गया हम यानी ऑडिटर, हमारे जो ऑडिट प्रोसीजर्स हैं वो इस तरह से बने हुए हैं कि हमारी खुद के हाथ एकदम, आप ऐसे कह सकते हो हमारे हाथ बंधे हुए हैं एज एन ऑडिटर, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। सर हाथ क्यों बंधे हुए हैं? बिकॉज ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन। किसी ने नहीं बोला कि इस कंपनी में फ्रॉड हुआ है, चेक करो, इन डेप्थ चेकिंग करो। नहीं, हमको ये सब चीजें नहीं करनी, हमको कोई फॉरेंसिक टेक्निक्स भी नहीं लगानी, फॉरेंसिक टेक्निक्स यानी फ्रॉड डिटेक्शन टेक्निक्स, नो। हमको तो ये मान के ही नहीं चलना कि कंपनी में फ्रॉड हुआ है, इट्स जस्ट दैट हमको जाना है, हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स करने हैं और हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होती है, देखो ये क्या कह रहा है,
जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसकी रेलिवेंस, रेलिवेंस का मतलब आप समझ लो, जैसे आप घर पे नींबू लेके आते हो, सर नींबू के तो भाव बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, समझो मेरी बात, नींबू लेके आते हो, पहले दिन नींबू में एक फ्रेशनेस रहती है, राइट, सबको एकदम बढ़िया मन कर रहा है, तो सुबह सुबह सर बढ़िया नींबू पानी पी लिया जाए, गर्मी का माहौल चल रहा है, सुनो मेरी बात, जब आप नींबू लेके आते हो नींबू की स्टार्टिंग में एक फ्रेशनेस रहती है, बट धीरे 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 करके वो फ्रेशनेस खत्म होती रहती है, ऐसे ही जो मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन होती है उसकी रेलिवेंस होती है, रेलिवेंस जो होती है वो धीरे 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 करके खत्म होती है, यानी इन्फॉर्मेशन में आप कह सकते हो जितनी इन्फॉर्मेशन आज की डेट में रेलिवेंट है वो ओवर द टाइम उसकी रेलिवेंस डिमिनिश होती जाएगी, सो रेलिवेंस ऑफ द इन्फॉर्मेशन जो कि उसकी वैल्यू बनाती है इट टेंड्स टू डिमिनिश ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है उसकी वैल्यू डिमिनिश होती जाती है, एंड कहीं ना कहीं हमको बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ता है बिटवीन द रिलायबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड द कॉस्ट। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं ऑडिट थ्रू आउट द ईयर करूं, यानी बिगनिंग टू एंड, क्या लगता है मेरे ऑडिट के रिसोर्सेज की कॉस्ट ज्यादा आएगी? द आंसर इज यस। तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा अगर मैं सिर्फ आखिरी में आके ऑडिट करूंगा तो जो इन्फॉर्मेशन मैं मार्च में देख रहा हूं मार्च 2022 में और वो इन्फॉर्मेशन लेट से अप्रैल 21 को रिलेट करती है यानी एक साल पहले की इन्फॉर्मेशन, तो वो इन्फॉर्मेशन हो सकता है कहीं ना कहीं मैनेजमेंट ने गड़बड़ कर दी हो, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चीजें कर दी हो, तो रेलिवेंस धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, बट मुझे कहीं ना कहीं बैलेंस मेंटेन करना है बिटवीन द क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट आई एम गेटिंग एंड द कॉस्ट दैट आई एम इनकरिंग। बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग देयर इज एन अनअवॉइडेबल रिस्क दैट सम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे नॉट बी डिटेक्टेड इवन दो द ऑडिट इज प्रॉपरली प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद एसेस। क्या हम सारी ट्रांजेक्शन चेक कर सकते हैं? क्या एज एन ऑडिटर आप सारी ट्रांजेक्शन चेक कर सकते हो? नो। ऐसे 530 कहता है आप सैम्पलिंग करेंगे, ऐसे 530 कहता है, क्या कहता है सर ऐसे 530, जल्दी से इधर देखो इधर देखो इधर देखो, ऐसे 530 कहता है कि आप सैंपलिंग करेंगे एंड सैंपलिंग करके आप छोटा सा सैंपल ले लेंगे, मतलब जैसे ये पूरी पॉपुलेशन है इसमें से मैंने एक आइटम उठाया, दो आइटम उठाया, तीन आइटम उठाया, इन तीन आइटम के बेसिस पे मैंने पूरी पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया, इसको सैंपलिंग कहते हैं। अब ऐसा भी तो हो सकता है मैंने तीन ऐसे आइटम उठा लिए जो ठीक ही थे और बाकी आइटम खराब थे, रिस्क है। यही ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि भाई साहब यहां पे एक अनअवॉइडेबल रिस्क है, अनअवॉइडेबल रिस्क का मतलब है इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, ये रहेगी, तो नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स ऐसे हैं कि ये रिस्क रहती है, तो आपने इसको यहां पे हमने टाइमलीनेस ऑफ रिपोर्टिंग एंड बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट कर लिया। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स में आपने ये बात ध्यान रखनी है कि जो हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं उसमें आपने सैंपलिंग वाली चीज को ध्यान में रखना है। सो पॉसिबिलिटी कि यार देखो ऑडिट प्रोसीजर्स की बात, ये जो हमने सारी बात करी टाइमलीनेस ऑफ रिपोर्टिंग बैलेंस बिटवीन बेनिफिट ऑफ कॉस्ट था, आई होप यू गॉट द पॉइंट कि टाइमलीनेस ऑफ रिपोर्टिंग है यानी हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है पूरे साल के बनेंगे, मार्च में बनेंगे, अप्रैल वाली इन्फॉर्मेशन मार्च तक आके उसकी रेलिवेंस कम हो सकती है। दूसरी बात इनहेरेंट लिमिटेशंस की वजह से कहीं ना कहीं हमको कॉस्ट मेंटेन करके चलनी है अपने रिसोर्सेज की, तो हम सारी चीजें चेक नहीं कर सकते, सारी चीजें चेक करने जाएंगे तो बहुत रिसोर्सेज लगेंगे एंड बहुत रिसोर्सेज लगेंगे तो बहुत ज्यादा कॉस्ट लग सकती है। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया वो सैम्पलिंग वाली बात जो मैंने आपको बताई वही आपने समझनी है, इन्वेस्टिगेशन वाली बात जो बताई मैंने आपको वही समझ के चलनी है कि ऑडिट इज नॉट अ इन्वेस्टिगेशन, हमारे पास पावर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं है। सो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो फ्रॉड अगर कंपनी करेगी दैट कैन बी केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड, वो सोच समझ के फ्रॉड करेगी, उतना बड़ा फ्रॉड हम पकड़ नहीं सकते, इसीलिए नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स में इन्होंने ये बात बोली है। दूसरी बात हम मैनेजमेंट पे निर्भर है, तो मैनेजमेंट पे निर्भर है तो हो सकता है मैनेजमेंट हमको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना दे जो उसने यूज करी है इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट मैनेजमेंट डू नॉट प्रोवाइड द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्लस जब वो फ्रॉड करेगी तो वो सोच समझ के करेगी, सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम्स कैन बी देयर टू कंसील इट एंड ऑडिट is not an investigation into the alleged wrongdoing. Sir, ये alleged wrongdoing का क्या मतलब है? Alleged wrongdoing का मतलब है किसी ने complaint करी है कि management गड़बड़ कर रही है तो हम audit कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, किसी ने complaint नहीं करी, it's just that कि हमको एक reasonable assurance ये है कि management अपना काम ठीक से कर रही है, and क्योंकि वो investigation नहीं है उसके पास कोई भी special power नहीं है, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन नहीं है उसके पास कोई भी स्पेशल पावर नहीं है। सर स्पेशल पावर यानी उसके पास सर्च की पावर नहीं है। These are the three things that you need to remember. जल्दी से बताओ तीन चीजें हम क्या क्या ध्यान में रखकर चलेंगे। सबसे पहले तो हम ऑडिट किसका कर रहे हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसी की नेचर ऐसी है कि इनहेरेंट लिमिटेशंस आ जाती है, द नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सेकंड पॉइंट क्या है? नेचर ऑफ ऑडिटिंग, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट की नेचर, एक हमारी नेचर। तीसरा क्या है? बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। सारे बच्चे ऐसे एक्शन करके बोलो
जैसे होता है ना वो वेलकम में ऐसे ऐसे इशारे कर रहे होते हो, कह रहे ऐसे ऐसे इशारे क्या कर रहे हो, क्या मेरी फैमिली को उठा ही लोगे? तो वही आपने करना है, बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट आपने याद रखना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे, दिस इज कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं, कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जहां पे इनहेरेंट लिमिटेशंस का इंपैक्ट सबसे ज्यादा होता है। कौन से ऐसे मैटर्स हैं, इनकी बात करते हैं। सारे बच्चे यहां पे फोकस करना। इन केस ऑफ सर्टेन अजर्शंस और सब्जेक्ट मैटर्स, पोटेंशियल इफेक्ट्स ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑन द ऑडिटर्स एबिलिटी टू डिटेक्ट द मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स आर पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट। कुछ ऐसी अजर्शंस हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट मैटर्स हैं। अजर्शन का मतलब अगर मैं आपको बताऊं, इसका मतलब है मैनेजमेंट आपसे कुछ कहना चाहता है। सर, मैनेजमेंट आपसे क्या कहना चाहता है, यानी अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैंक बैलेंस लिखा है दैट बैंक बैलेंस इज 1000 रुपीज, तो बैंक, पता है आपको मैनेजमेंट क्या कहना चाह रहा है? मैनेजमेंट कहना चाह रहा है कि भाई साहब, सबसे पहली बात, 1000 रुपए का बैंक बैलेंस एग्जिस्ट करता है। ये उसने बोला नहीं है, इम्प्लिसिटली इंप्लाइड है कि 1000 रुपए का बैंक बैलेंस एग्जिस्ट करता है, राइट सर? फिर दूसरी चीज, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। सर, इसमें अजर्शंस में आपकी चार अजर्शंस आती है अगर अकाउंट बैलेंस की बात की जाए। इनको हम बोलते हैं ई आर सी वी, करेंगे डिस्कशन इसके बारे में भी, मैं इसके बाद आपको एक बार वो चीज भी दिखा दूंगा। तो ई आर सी वी का क्या मतलब है, एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, कंप्लीटनेस और वैल्यूएशन। बोल सकते हो मेरे साथ, ई आर सी वी, एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, कंप्लीटनेस और वैल्यूएशन। तो अगर मैनेजमेंट ने बोला बैंक बैलेंस 1000 रुपए का है, तो वो बोल रहा है बैंक बैलेंस एग्जिस्ट करता है। राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस यानी इस बैंक बैलेंस पे इस कंपनी का हक है, हमारी कंपनी के नाम का बैलेंस है। कंप्लीटनेस यानी 1000 रुपए के अलावा कोई और बैंक बैलेंस नहीं है। वैल्यूएशन भी आप इस तरह से समझ सकते हो कि वैल्यू ऑफ दैट बैंक बैलेंस इज ओनली 1000 रुपीज, नथिंग अप नथिंग लेस, इससे ज्यादा कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। तो ये अजर्शंस में ये कहना चाह रहा है कि हो सकता है कि कुछ ऐसी अजर्शंस हैं, कुछ ऐसी सब्जेक्ट मैटर्स हैं जहां पे इनहेरेंट लिमिटेशंस बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती है। ऐसी चार एरियाज हैं। चार एरियाज क्या है, सबसे पहले तो हम इसको डिस्कस भी कर चुके हैं, फ्रॉड। क्या फ्रॉड आसान है पकड़ना? नो सर, बिकॉज इट कैन इन्वॉल्व सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम्स। सारे बच्चे मेरे साथ इस वर्ड को बोलेंगे, क्या फ्रॉड कैसा होता है? सर, फ्रॉड कैन इन्वॉल्व सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम्स, एंड ऑडिटर्स के पास स्पेशल पावर्स ऑफ सर्च नहीं है, तो फ्रॉड हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। एंड फ्रॉड में भी कौन सा फ्रॉड सबसे ज्यादा भयानक होता है? वो होता है मैनेजमेंट फ्रॉड, यानी जिस फ्रॉड में खुद मैनेजमेंट इन्वॉल्व होगा। इंप्लॉय फ्रॉड को तो मैनेजमेंट पकड़ लेगी, कोई इंप्लॉय फ्रॉड कर रहा होगा तो ऊपर बैठी मैनेजमेंट तो उसको पकड़ ही लेगी ना, बट अगर मैनेजमेंट ही फ्रॉड कर रही हो, रक्षक ही भक्षक बन जाए, तो फिर क्या करें? समझ आ रही बात? समझ रहे हो? तो यही बात आपने याद रखनी है, फ्रॉड पर्टिकुलरली इन्वॉल्विंग सीनियर मैनेजमेंट और कोल्यूजन। कोल्यूजन का मतलब होता है दो लोग मिलकर फ्रॉड कर रहे हैं, दो लोग कोल्यूड करके फ्रॉड कर रहे हैं। दो लोग जब मिलकर फ्रॉड करेंगे ना, हमेशा उस फ्रॉड को पकड़ना मुश्किल होगा। एक अकेला बंदा तो इजीली पकड़ा जा सकता है, जब दो लोग, भारी लोग मिलकर फ्रॉड करते तो उनको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज, जब भी ऑडिट में फ्रॉड की बात होगी, जब भी ऑडिट में फ्रॉड की बात होगी, रिलेटेड पार्टी को याद रखना, ये फ्रॉड हमेशा रिलेटेड पार्टी के साथ ही मिलकर होता है। तो द सेकंड पॉइंट इज एग्जिस्टेंस एंड कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजेक्शन। हमको क्या पता कौन कौन रिलेटेड पार्टी है, कितनी सारी ट्रांजेक्शन हुई है साल में, हमको क्या पता कौन सी कंपनी, कौन रिलेटेड पार्टी है या नहीं। हम मैनेजमेंट पे डिपेंड करते हैं कि वो हमको एक लिस्टिंग देंगे कि ये रिलेटेड पार्टी है, ये रिलेटेड पार्टी है, और फिर उस लिस्टिंग के साथ हम चेक करते हैं कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन हुई है। बहुत बड़ा काम होता है, बहुत मुश्किल काम होता है, हो सकता है आपसे कोई रिलेटेड पार्टी पकड़ में ना आए, और मैनेजमेंट के लिए भी कई बार डिफिकल्ट हो जाता है। आई यूज टू ऑडिट अ कंपनी कॉल मदर्स एंड सुमीन, वहां पे इतनी सारी रिलेटेड पार्टी थी कि प्रॉपर एक बंदा डेडिकेटेडली ऑडिट टीम का रिलेटेड पार्टीज में काम करता था। समझ रहे हो बात? तो कुछ कंपनीज हैं इनकी इतनी सारी रिलेटेड पार्टीज होती कि इतनी मेहनत लगती है, फिर भी हो सकता है कोई रिलेटेड पार्टी छूट जाए। अब एक बात बताओ, सबसे पहले हमने बात करी किसकी सर, फ्रॉड की। किसके साथ किया? रिलेटेड पार्टी के साथ। जब फ्रॉड करोगे रिलेटेड पार्टी के साथ, क्या आप लॉ की कंप्लायंस कर रहे हो, नॉन कंप्लायंस? जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए। क्या आप जब फ्रॉड कर रहे हो, अरे इधर देखो ना, तुम तो सो गए यार इतनी जल्दी जल्दी। अगर आप फ्रॉड कर रहे हो रिलेटेड पार्टी के साथ, तो क्या आप लॉ की कंप्लायंस कर रहे हो या नॉन कंप्लायंस? जल्दी से बताओ, फटाफट सारे बच्चे बताएंगे मुझे। ओहो, फटाफट सर, नॉन कंप्लायंस कर रहे हैं, है ना? नॉन कंप्लायंस करो, नॉन कंप्लायंस, राइट? तो तुमने तो मुझे नेक्स्ट पार्ट बता दिया,
तुमने तो मुझे नेक्स्ट पॉइंट बता दिया, द नेक्स्ट पॉइंट इज दिस ओनली, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। ये भी समझ लेते हैं, बड़ा आसान है। एक कंपनी के पास 1000 लॉज हो सकते हैं कंप्लाई करने के लिए, सर चाइल्ड एक्ट, एनवायरमेंट एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, प्रोविडेंट फंड एक्ट, और भी पता नहीं अलग अलग तरह के कई सारे भांति भांति के एक्ट होते हैं। क्या हर एक्ट की कंप्लायंस चेक करेंगे? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट, इतने सारे एक्ट्स हैं, हजारों एक्ट्स हैं, क्या हम हर एक एक्ट की कंप्लायंस नॉन कंप्लायंस चेक कर सकते हैं? द आंसर इज नो। जो एक्ट्स का हमको लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंपैक्ट आ रहा है, उन्हीं को हम जनरली चेक कर पाते हैं। एग्जांपल के तौर पे, अगर आपने अपने सीए फाइनल की आर्टिकलशिप में ऑडिट में काम किया, तो आपको पता होगा कि हम पीएफ की चेकिंग करते हैं, हम ईएसआई की चेकिंग करते हैं, हम टीडीएस की वर्किंग की चेकिंग करते हैं कि टीडीएस ठीक टाइम पे डिपॉजिट कराया है कि नहीं कराया। ये सारी हम चेकिंग क्यों कर पाते? बिकॉज इनके जो अमाउंट्स होते हैं कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिफ्लेक्टेड होते हैं। बट मुझे क्या पता फैक्ट्री में चाइल्ड लेबर काम कर रहा है कि नहीं? मैं जाके फैक्ट्री तो देखूंगा नहीं कि भाई मुझे कि चाइल्ड लेबर एक्चुअल में काम कर रहा है कि नहीं, जब तक कि मुझे दिख नहीं जाता कि कंपनी पे कोई पेनल्टी लगाई गई है इस चीज को लेके। हाउ वुड आई गेट टू नो कि चाइल्ड लेबर एक्ट के अंदर कंपनी काम खराब कर रही है? सो दिस इज ऑल्सो एन एरिया जहां पे हमको नहीं पकड़ में आ सकता, देर इज अ नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कंपनी नॉन कंप्लायंस करेगी, ध्यान से बताना, जो कंपनी नॉन कंप्लायंस करेगी विद लॉज एंड रेगुलेशंस, क्या वो लॉन्ग रन में टिक पाएगी? दिस इज माई क्लियर वर्डिंग, क्या वो लॉन्ग रन में टिक पाएगी? द आंसर इज नो। उसका क्या अफेक्ट हो जाएगा? उसका अफेक्ट हो जाएगा गोइंग कंसर्न, एंड दिस इज अवर फोर्थ पॉइंट। यही बस बात आपने ध्यान में रखनी है, फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशंस, यहां पे आप पॉइंट लगा देना, फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशंस दैट मे कॉज एन एंटिटी टू सीज टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न यानी इट विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू फॉर एवर एंड एवर एंड एवर एंड एवर, वो कंपनी फॉर एवर नहीं चल सकती। जब इतनी भारी भारी पेनल्टीज लगाई जाएंगी, कहीं ना कहीं उसका बिजनेस अफेक्ट होगा, इट कैन नॉट कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। तो चार बातें क्या हो गई, चार बातें क्या हो गई, जल्दी से बताइए, चार बातें क्या हो गई जिनको हमको ध्यान में रखना है? सर क्या ध्यान में रखना है रिगार्डिंग ऑडिटर की जो एबिलिटी है, कि वो इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग की बात करें, तो कौन से चार एरियाज हैं, कौन से चार अजर्शंस हैं, या कौन से चार ऐसे सब्जेक्ट मैटर्स हैं जहां पे इनहेरेंट लिमिटेशन सबसे ज्यादा दिमाग खराब करेंगी? फ्रॉड, फ्रॉड किसके साथ? रिलेटेड पार्टी के साथ। रिलेटेड पार्टी के साथ फ्रॉड कर रहे हैं यानी कंप्लायंस कर रहे हैं, नॉन कंप्लायंस, जल्दी से बोलो, फ्रॉड विद द रिलेटेड पार्टी, ये आपने बोलना है मेरे साथ, फ्रॉड विद द रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड पार्टी के साथ फ्रॉड किया यानी कंप्लायंस की, नॉन कंप्लायंस की, नॉन कंप्लायंस करी। जो नॉन कंप्लायंस करेगा क्या वो गोइंग कंसर्न कर पाएगा? द आंसर इज नो, उसका गोइंग कंसर्न भी अफेक्टेड हो जाएगा। यही चार बातें बस आपने याद रखनी, बस यही चार बातें आपने याद रखनी है, और कुछ भी याद नहीं रखना। इनहेरेंट लिमिटेशंस हमको पता चल गई, क्या इनहेरेंट लिमिटेशंस? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करते हैं, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिटिंग। तीसरा, बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। वेलकम वाला डांस करो, जल्दी से बताओ, बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। एंड फोर्थ पॉइंट इज सर्टेन सब्जेक्ट मैटर्स, सर्टेन अजर्शंस, वेयर द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग आर वेरी इंपैक्टफुल। चार एरियाज कौन से? फ्रॉड, फ्रॉड विद द रिलेटेड पार्टी यानी नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस, एंड द फोर्थ पॉइंट इज जब नॉन कंप्लायंस होगी तो कोई एंटिटी कंटिन्यू नहीं कर पाएगी एज अ गोइंग कंसर्न। दीज आर द फोर थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। फटाफट जस्ट गिव अ रीड थ्रू दिस टॉपिक, आई एम गिविंग यू वन मिनट, जस्ट एक बार इस टॉपिक को फटाफट एक बार रीड कर लो, एक बार जल्दी से इसको रिकॉल कर लो, इज दिस टॉपिक क्लियर? या आप मेरे को चैट बॉक्स में भी बता सकते हो येस और नो, एंड देन वी कैन मूव अहेड। दिस इज ऑल अबाउट द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। ओहो राइट सर, गॉट इट, जल्दी से बताइए क्या ये पॉइंट्स क्लियर हैं आपको? If anyone feels the speed is little faster, slower, you can let me know in the chat box. जल्दी से बताइए, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, बताओ क्या ये चारों बातें क्लियर हैं? Yes or no? इसी पे MCQ पूछ लिया, पता है ICAI ने May 22 एग्जामिनेशन पे इसी पे MCQ पूछ लिया, उन्होंने कुछ चार पांच बातें लिखी और बताया इनमें से क्या इनहेरेंट लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, क्या मस्त क्वेश्चन है ना, अब तुमको पता लग गया तो तुम कर ही लोगे अटेम्प्ट। राइट सर, इट्स फाइन, ग्रेट 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 ग्रेट। चलो जी, चलो वापस चलते हैं। अजर्शन का मतलब हमको समझ आ गया सर। देखो छोटी छोटी बातें मैं अभी करता जा रहा हूं आपसे, बट ये बातें आपने एकदम ध्यान में रखनी है। कई सारी बातें मैंने डिस्कस कर ली होंगी पिछले 10-15 मिनट में। यस सर, राइट सर, क्लियर। अजर्शन का क्या मतलब है अभी तो समझाया, मैनेजमेंट आपको कुछ कहना चाहता है, जरूरी नहीं लिख के देगा, जरूरी नहीं है बोलेगा। यानी assertions, you can say, are the representations. Representations made by the management, either implicit or explicit. Explicit यानी अगर आपको कोई पसंद है, आपने जाके उसको बता दिया कि आप मुझे पसंद है। Implicit यानी आपने जाके बताया नहीं, उन्होंने आपकी तरफ देखा, आपने उनकी तरफ देखा और आपने एक स्माइल दे दी, दैट इज implicit। तो मैनेजमेंट भी इसी तरह इम्प्लिसिटली आपको कुछ बातें कहना चाहते हैं। एग्जाम्पल, अगर हम अकाउंट बैलेंस की अजर्शन ले, अकाउंट बैलेंस यानी आपका ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल्स, बैंक बैलेंस,
पीपीई का बैलेंस, पीपीई क्या होता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, आई होप यू गेट दैट राइट। तो उसकी अजर्शंस क्या होती है, ईआरसीवी। सर ये ईआरसीवी क्या है, एग्जिस्टेंस राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस कंप्लीटनेस एंड वैल्यूएशन। एग्जिस्टेंस यानी ये एसेट एग्जिस्ट करता है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस यानी इस एसेट पे हमारी राइट है, अगर कोई लायबिलिटी है तो ये हमारी ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन यानी हमारी चिंता है, हमको ये पे ऑफ करनी है किसी दिन। सी यानी कंप्लीटनेस, कंप्लीट है जो भी बैलेंस हमने यहां लिखा है, कंप्लीट है, कोई एसेट को हमने इग्नोर नहीं किया। वैल्यूएशन यानी इसकी वैल्यू जो हमने यहां लिखी है दैट इज ऑल्सो राइट। तो कभी देखा किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैनेजमेंट बोले वैल्यू सही है हमारी, इस पे राइट है, ये कंप्लीट है, ये एग्जिस्ट करता है? नहीं, ये बातें डीम्ड है, हमको समझ के चलनी ही पड़ेंगी। तो जरूरी नहीं मैनेजमेंट हर बात लिख के बताएगा, सब कुछ चीजें डीम्ड होती हैं, जो इम्प्लिसिट होती है हमको समझ के चल। दैट्स द बेसिक मीनिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, नथिंग एल्स। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ठीक है सर, अभी तो हम पहले पॉइंट में ही है, अभी तो हम पहले पॉइंट में ही है राइट सर, क्योंकि यही चैप्टर है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, टू ऑब्टेन अ रीजनेबल अश्योरेंस। रीजनेबल अश्योरेंस क्यों लेनी है, अगली बार मत पूछना, वो बोलता है ना दोबारा मत पूछना मेंटोर्स के एड में, तो अब मेरे से कभी मत पूछना रीजनेबल अश्योरेंस क्यों लेनी है। आप सब जानते हो इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग की वजह से, कौन सा ऐसे कहता है, ऐसे 200 कहता है। रीजनेबल अश्योरेंस का मतलब है हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अश्योरेंस। जो जो बच्चा मेरे साथ ये स्टेप कर रहा है ना, ये करना है आपने, हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अश्योरेंस राइट सर। सो रीजनेबल अश्योरेंस अबाउट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। मटीरियल मिसस्टेटमेंट किन दो कारणों की वजह से हो सकती है, जल्दी से बताओ। इट कैन बी आइदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, हमको फर्क नहीं पड़ता, बट मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। मटीरियल मिसस्टेटमेंट यानी वो गलती विच कैन बी एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ यूजर हु इज थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी, या उसके इकोनॉमिक डिसीजन को इंपैक्ट कर सकता है राइट सर। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक बार आप रीड कर लीजिएगा, इसमें कुछ भी नहीं है, जो बातें मैंने आपको समझाई है वही होता है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज नथिंग बट योर स्केड्यूल 3 AS Ind AS, वो आप समझ के चलो और कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इसमें बस दो फ्रेमवर्क होते हैं, एक होता है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और एक होता है कंप्लायंस फ्रेमवर्क, इसकी मैं आपको बात कर लेता हूं। तो ये यहां पे हम आएंगे क्यों, एक बार इसको समझना। Thereby enabling the auditor to express an opinion on whether the financial statements are prepared in all material respects as per the applicable FRF. अब हम FRF की तरफ चलते हैं। मेलेडी खाओ खुद जान जाओ, हाँ मेलेडी की एड में आता था राइट। तो FRF की समझते हैं कि FRF क्या कहना चाहता है। आई होप पहला पॉइंट सबको क्लियर है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, पहला पॉइंट ये कह रहा है कि ऑडिटर को चाहिए रीजनेबल अश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। क्यों चाह रहा है वो, ताकि वो ओपिनियन एक्सप्रेस कर सके। क्यों उसने रीजनेबल अश्योरेंस ली, आपने इस बात को इग्नोर नहीं करना, उसने रीजनेबल अश्योरेंस इसीलिए ली, ध्यान देना इस बात को। देखो सारी बातें ना सोच समझ के लिखी हुई है यहां पर। उसने रीजनेबल अश्योरेंस क्यों ली, इस चीज के लिए, टू एक्सप्रेस। क्या एक्सप्रेस करेगा वो, एक्सप्रेस करेगा अपना ओपिनियन। सर ओपिनियन किस चीज को लेके, दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट्स। मटीरियलिटी का मतलब आपको समझ आ गया ना, हम मटीरियलिटी का गाना क्यों गा रहे हैं, 2 करोड़ 400 करोड़ में फर्क होता है ठीक है। इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द एप्लीकेबल FRF, यानी अगर FRF के हिसाब से नहीं होगा कोई भी चीज, FRF के हिसाब से नहीं होगी यानी उसमें मिसस्टेटमेंट है। मटेरियल है या नहीं वो चलो बाद की बात है, अगर FRF के हिसाब से कोई चीज नहीं होगी, समझना ये बात जो मैं बोल रहा हूं, दिस इज द अंडरस्टैंडिंग दैट यू नीड। अगर कोई चीज FRF के हिसाब से नहीं होगी यानी स्केड्यूल 3 के हिसाब से नहीं होगी, AS के हिसाब से नहीं होगी, इंडेक्स के हिसाब से नहीं होगी, यानी उसमें कोई गलती है, गलती को हम ऑडिट में बोलते हैं मिसस्टेटमेंट। तो हमको ओपिनियन एक्सप्रेस करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द एप्लीकेबल FRF। FRF की डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं, इट इज द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क विच इज अडॉप्टेड बाय द मैनेजमेंट एंड वेयर अप्रोप्रिएट TCWG इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, PPFS। प्रिपरेशन करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रेजेंट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। That is acceptable in the view of the nature of the entity and objective of financial statements, and that is required by the law or regulation. Example के तौर पे ले लेते हैं, आपने NPO के financial statements देखे होंगे। क्या आपने NPO के financial statements देखे? हाँ सर हमने NPO के financial statements देखे। क्या non for profit organization और profit organization दोनों के financial statements same दिखते? नहीं, वो receipts and payments account बनाते हैं, वो income and expenditure account बनाते हैं, तो उनका financial reporting framework ही अलग है।
हमारा जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है, पीएनएल बनाओ, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ, तो वो अलग अलग चलते हैं। तो डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ द एंटिटी क्या है एंड ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ठीक है सर, अब दो तरह के फ्रेमवर्क होते हैं, एक कहता है फेयर प्रेजेंटेशन, एक कहता है कंप्लायंस फ्रेमवर्क। जैसा नाम वैसा काम, मैं ऑडिट में आपको कई बार ऐसी बातें बोलूंगा, जैसा नाम वैसा काम, एंड दिस इज द की दैट यू नीड टू रिमेंबर। सर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क से आपको क्या ध्यान में आ रहा है? फेयर प्रेजेंटेशन और कंप्लायंस फ्रेमवर्क, पहले कंप्लायंस समझ लेते हैं। कंप्लायंस फ्रेमवर्क कहता है आपने कंप्लाई करके चलना है। कंप्लाई करके चलना है यानी जैसा आपको स्केड्यूल 3 कहता है ना, जो जो डिस्क्लोजर स्केड्यूल 3 मांगता है, जो जो प्रेजेंटेशन स्केड्यूल 3 चाहता है, उतना आपने करके चलना है। तो हम मान लेंगे आपने कंप्लाई कर दिया। फेयर प्रेजेंटेशन कहता है बुद्धू हो क्या, तुम्हारा अपना दिमाग नहीं है क्या, तुमको लगता है अगर कोई चीज एडिशनली डिस्क्लोज करनी है ताकि वो फेयर प्रेजेंटेशन कर सके तो कर दो ना। और अगर तुमको लगता है इन एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेस, ध्यान रखना, कोई चीज एडिशनली डिस्क्लोज करनी है वो तो तुम कर सकते हो, कभी भी कोई चीज ज्यादा करने के लिए कोई मना नहीं करेगा तुमको। समझ रहे हो मेरी बात? अगर आप किसी को कहोगे कि देखो मैं 2 की जगह 3 मूवी टिकट दे रहा हूं, वो कभी मना नहीं करेगा। जब आप उसको कहोगे ना मैं देखो 2 की जगह 1 मूवी टिकट दे रहा हूं, तो वो पूछेगा क्यों भाई। तो इन्होंने बोला दिस कैन हैपन ओनली इन एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेस, कि आप अपने डिस्क्लोजर्स में थोड़ी चीजें काट भी सकते हो। यू कैन ऑल्सो रिड्यूस सम ऑफ योर डिस्क्लोजर्स अगर आपको फेयर प्रेजेंटेशन लगती है, बट दिस कैन ओनली एंड ओनली हैपन इन रेयर सर्कमस्टेंसेस। जनरली ये चीज नहीं होगी, बट रेयर सर्कमस्टेंसेज में आप अपने डिस्क्लोजर्स कम कर सकते हो अगर आपको फेयर प्रेजेंटेशन करनी है। तो कंप्लायंस ने कहा कि बिल्कुल उसके हिसाब से चलो जैसा वो कह रहा है, पर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क कह रहा है थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर आपको लगता है कुछ चीजें एडिशनली डिस्क्लोज करनी है एडिशनली डिस्क्लोज करके चलो, कुछ चीजें कम डिस्क्लोज करनी है तो वो भी कर सकते हो, बट कम आप किस केस में करोगे? एक्सेप्शनल रेयर सर्कमस्टेंस में। तो यही बात यहां पे लिख रखी है। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क क्या है? एक FRF फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क दैट रिक्वायर्स कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्रेमवर्क। कंप्लायंस तो आपके करके चलनी ही चलनी है, बट अगर आपको लगता है कि फेयर प्रेजेंटेशन अचीव करने के लिए इट इज नेसेसरी फॉर द मैनेजमेंट टू प्रोवाइड डिस्क्लोजर्स बियॉन्ड दो स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड बाय द फ्रेमवर्क, यानी फ्रेमवर्क जो कहता है उसके ज्यादा आपको कुछ डिस्क्लोजर करके चलने हैं तो आप कर सकते हो। और acknowledges explicitly that it may be necessary to depart from the requirement of the framework to achieve the fair presentation, यानी उस framework के हिसाब से हम काम नहीं करेंगे और कुछ और ही करेंगे, तो वो भी आप कर सकते हो, but such departures are expected to be necessary in extremely rare circumstances, जो मैंने आपको बात बताई। सिर्फ और सिर्फ rare cases में आप कुछ चीजों की कमी छोड़ सकते हो। क्या सर ये सारी definitions हमको याद रखनी है? नहीं, मतलब पता होना चाहिए फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क क्या कहता है, कंप्लायंस फ्रेमवर्क क्या कहता है, बिकॉज कई सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में ये चीजें रिपीट होंगी। जब वहां पे लिखा होगा फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क तो मैं बोलूंगा पहली क्लास में डिस्कस किया था ना, जब लिखा होगा कंप्लायंस फ्रेमवर्क मैं बोलूंगा पहली क्लास में डिस्कस किया था ना। तो यही बातें बस आपने ध्यान में रखनी है, समझनी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है अगर हमें मतलब पता हो। फेयर प्रेजेंटेशन कहता है कुछ एडिशनल डिस्क्लोज करना है कर दो, कम डिस्क्लोज करना है तो भी कर दो, बट कम कब करेंगे? इन एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेस। राइट सर, गॉट द पॉइंट यस सर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं? जो हमें कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताए, फाइनेंशियल पोजीशन बताए, कैश फ्लोस बताए, उसी को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। यू कैन रीड दिस पॉइंट। राइट सर, तो पहला पार्ट आई होप सबको क्लियर है। नो ऑडियो? साहिल शर्मा जी को ऑडियो नहीं आ रही क्या? आप सबको मेरी ऑडियो आ रही है? फटाफट बताइए यस और नो। आई थिंक द फर्स्ट पार्ट इज क्लियर। इज द ऑडियो ऑडिबल? क्योंकि किसी और ने बोला नहीं यार, साहिल तुमने क्लास बीच में तो नहीं रुकवा दी? शैतान आ रही है यार, अब कह रहे नाउ क्लियर। तुम्हारे लैपटॉप की बैटरी तो नहीं चली गई थी? इज द फर्स्ट पार्ट क्लियर? ये वाला जो पार्ट है ये क्लियर हो गया? जल्दी से बताइए यस और नो। इज दिस फर्स्ट पार्ट क्लियर? अब बताओ इस चीज के बारे में बताओ, क्या ए पार्ट क्लियर है? ब्लूटूथ प्रॉब्लम? हाँ ब्लूटूथ, राइट। इज द फर्स्ट पार्ट क्लियर? फटाफट बताओ यस और नो। क्लियर सर, यस सर, ग्रेट सर, बहुत बढ़िया। अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया है, मैं फ्रेंकली बता रहा हूं, मैं आपको, मैं सच बोलता हूं,
अभी तक हमने क्या बोला आपको कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है टू ऑब्टेन अ रीजनेबल एश्योरेंस, किस चीज को लेके कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है इसको वो क्यों रीजनेबल एश्योरेंस ले रहा है, ताकि वो अपना ओपिनियन दे सके। ओपिनियन किस चीज को लेके दे सके, दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, वो जैसा एफआरएफ कहता है वैसे बने हैं। अब एक बात बताओ, ओपिनियन ऑडिटर अपनी जेब में डालेगा या रिपोर्ट भी करना पड़ेगा? ओपिनियन अपनी जेब में डालेगा, क्या सामने वाला टेलीपैथी से समझ जाएगा? क्या जो शेयर होल्डर है वो टेलीपैथी से समझ जाएगा ऑडिटर क्या कहना चाहता है? नो। तो यही ओपिनियन जो उसने फ्रेम किया है ऑडिटर साहब ने, जो ओपिनियन उसने बनाया है वो उसको रिपोर्ट करके चलना पड़ेगा। उसके लिए वो अपनी रिपोर्ट इशू करेगा, ही विल इशू अ रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कोई टेलीपैथी से नहीं समझता असली जिंदगी में, ठीक है? तुमको सामने वाले को बताना पड़ता है। सो यू हैव टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इन अकॉर्डेंस विद द ऑडिटर्स फाइंडिंग इन ऑल केसेस व्हेन द रीजनेबल अश्योरेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड एंड द क्वालिफाइड ओपिनियन इज इनसफिशियंट फॉर द पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग टू द इंटेंडेड यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Essays require that the auditor shall disclaim an opinion or withdraw from the engagement where the withdrawal is legally permitted. So sorry, बहुत ये हमारे ऊपर से bouncer की तरह चली गई, जैसे Bradley की ball batsman के सिर के ऊपर से bouncer की तरह चली जाती थी, ये सारी की सारी बातें हमारे सिर के ऊपर से bouncer की तरह चली गई। क्या कहता है ये question? ये क्या कहता है ये point? ये कह रहा है हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रिपोर्ट करके चलना है, कम्युनिकेट करना है एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो भी ऑडिटर की फाइंडिंग्स है। ये बात तो समझ आ गई, बट ये जो पैराग्राफ आपने यहां पे पढ़ाया ना सर, ये बड़ा गलत था। इसमें हमको लगा कि यार ये तो कई सारी बातें इसने एक साथ एक ही लाइन में कर दी। इस पैराग्राफ को समझने के लिए वी फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओपिनियन। जल्दी से मेरे साथ आओ, मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओपिनियन बताता हूं। अगर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओपिनियन समझ आ गए, आई डोंट थिंक ये पैराग्राफ समझने में कोई दिक्कत आने वाली है। लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओपिनियन। इसके बारे में हम और ज्यादा चर्चा करेंगे, कब करेंगे? ऐसे 705 में, बट अभी के लिए जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या है चीज। आप मेरे को चैट बॉक्स पे बताते चलना, आई नीड योर पार्टिसिपेशन एट दिस मोमेंट। जितनी ज्यादा आप पार्टिसिपेट करोगे उतना मुझे समझ आएगा कि आपके इंटर के कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं। मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चेकिंग करी और मुझे उसमें मिसस्टेटमेंट नहीं मिली। चलो मान लो मिसस्टेटमेंट नहीं मिली, मैं कैसा ओपिनियन दूंगा? जल्दी से बताओ, What kind of opinion will I give at this moment? फटाफट बताओ, जल्दी से बताओ। मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चेकिंग करी, मुझे मिसस्टेटमेंट नहीं मिली, मैं क्या ओपिनियन देके चलूंगा? What kind of opinion will I give? Unqualified. Great. शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अब एक और चीज पूछते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चेकिंग करी, मिसस्टेटमेंट मिल तो गई, बट क्या सर? बट वो मटेरियल नहीं है तो मैं क्या करूंगा? अब बताओ, अब देखते कौन सा बच्चा सही बताता है। ये ए पार्ट है, जब आप आंसर दे रहे हो ना तो ऐसे बताना। कईयों का नेट पीछे चल रहा होगा तो वो ना किसी का आंसर किसी में दे रहे होंगे। जल्दी से बताओ, बी पार्ट का आंसर क्या होगा? क्या बात है, अब सारे समझदार बच्चे कह रहे क्वालिफाइड, क्या बात है। अनक्वालिफाइड आया सबसे पहले, अब अनक्वालिफाइड भी आने लग गया। अब क्वालिफाइड वाला सही है या अनक्वालिफाइड वाला सही है, ये डिपेंड करता है कौन ध्यान से सुन रहा है। कोई सुन रहा है मिसस्टेटमेंट, कोई सुन रहा है मटीरियल मिसस्टेटमेंट। मैंने आपको सिंपल बात बताई कि फाइनेंशियल, मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना भाई, थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से लगता है। तो मिसस्टेटमेंट से हमको डर नहीं लगता, मटेरियल मिसस्टेटमेंट से लगता है। समझो मेरी बात। तो अगर ये मिसस्टेटमेंट मटेरियल नहीं है तो भाई साहब यहां पे भी अनक्वालिफाइड ही आएगा ना। छोटी मोटी गलती के लिए तुम अपनी रिपोर्ट क्वालिफाई कर दोगे? हैं, छोटी मोटी गलती के लिए रिपोर्ट क्वालिफाई कर दोगे? कैसी बातें कर रहे हो यार, अनक्वालिफाइड आएगा। जो जो क्वालिफाइड बोल रहा है, लॉजिकली सोचो, आपके मार्क्स
30 में से अगर 29 आए, आपके दोस्त के 30 में से 30 आ गए, आपके 29 आए, तो आपको डांट पड़ जाएगी क्या? नहीं पड़ेगी। छोटी मोटी गलती है यार, छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, क्या हो गया? बट अगर आपके 30 में से 3 आ गए या 10 आ गए या 12 आ गए, तो डांट पड़ेगी। भाई ये तो बड़ी मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, क्या गड़बड़ कर गया, पढ़ के नहीं गया था क्या? ये बात होती है। याद आ गया, अच्छा अब आया समझ, अब बात करते हैं। तो अभी तक तो अनक्वालिफाइड की बातें हो रही थी और अनक्वालिफाइड के यही दो केसेस हैं। अब बात कर लेते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन की। सर ये क्वालिफाइड ओपिनियन की, सॉरी क्वालिफाइड की बात नहीं करेंगे, क्वालिफाइड की बात नहीं करेंगे, अब हम बात करेंगे मॉडिफाइड ओपिनियन की। मॉडिफाइड, मॉडिफाइड में एक बात तो क्लियर है, मॉडिफाइड में एक बात तो क्लियर है कि भाई साहब मिसस्टेटमेंट भी है और मटेरियल भी है। मिसस्टेटमेंट भी है, मटेरियल भी है, यानी मैं बोल दूं मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, द आंसर इज यस। अब इस चीज को लेके दो केस बन सकते हैं। सर क्या केस बनेंगे जल्दी से बता दो एक बार, फटाफट फटाफट सुनना। हमको या तो सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इस चीज को लेके मिल चुका है एंड हमने ये कंक्लूड कर लिया है ऑन दैट बेसिस ऑफ सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। अब अगर हमें सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया है और हमने कंक्लूड भी कर लिया है मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, देन अगेन टू ओपिनियंस आर पॉसिबल। सर टू ओपिनियंस कैसे पॉसिबल होंगे? या तो इसका इंपैक्ट परवेसिव होगा या इसका इंपैक्ट परवेसिव नहीं होगा। अगर इंपैक्ट परवेसिव है, अगर इंपैक्ट परवेसिव है तो हम इसको बोलते हैं एडवर्स ओपिनियन। जैसा नाम वैसा काम, एडवर्स यानी बहुत ज्यादा खराब, बेकार, बहुत ज्यादा खराब या बेकार को हम ऑडिट लैंग्वेज में बोलते हैं एडवर्स ओपिनियन। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐसी मटेरियल मिसस्टेटमेंट है जो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंपैक्ट कर रही है, परवेसिव इफेक्ट डाल रही है, तो हम इसमें एडवर्स ओपिनियन देके आगे बढ़ेंगे। सर इसका एग्जाम्पल दे दो। इसका एग्जाम्पल सिंपल है, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न के हिसाब से नहीं बनने थे, आपकी एंटिटी इसी साल बंद होने वाली है, फिर भी आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गोइंग कंसर्न के हिसाब से बना दिए, यानी पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एक फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन ही गलत है, तो अल्टीमेटली आपके केस में एडवर्स ओपिनियन आएगा। राइट सर, एग्जाम्पल ऑफ, अब अगले क्वेश्चन में अगर हम बात करें परवेसिव नहीं है, ये हमने कंक्लूड कर लिया है, तो हम क्या करेंगे? तो फिर हम अपना ओपिनियन क्वालिफाई कर देंगे। तो हम फिर अपना ओपिनियन क्वालिफाई कर देंगे। इसका एग्जाम्पल भी सिंपल है, मान लो एक छोटा मोटा एक्सपेंडिचर था, छोटा मोटा नहीं था क्योंकि मटेरियल था, बट अगेन वो एक एक्सपेंस ही था, उसने बाकी किसी भी अकाउंट को इम्पैक्ट नहीं किया, बाकी बैलेंस शीट ठीक चल रही है, पीएनएल ठीक चल रहा है, बस पीएनएल में एक एक्सपेंडिचर वाले पोर्शन में गलती है। अगर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक ही पार्ट में गलती हो जो बाकी चीजों को खराब ना कर रही हो, यानी कहते हैं ना एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ये ऐसी गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा नहीं कर रही, ये अकेली ही गंदी है, ये अकेली ही मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो इस केस में क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे। बट अगर ऐसी कोई गंदी मछली जो पूरे तालाब को गंदा कर रही है, वो पूरा परवेसिव इफेक्ट डाल रही है, तो फिर हम एडवर्स ओपिनियन देके चलेंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर? जल्दी से बताइए येस और नो। येस, द बोर्ड नोट्स विल बी शेयर, बोर्ड नोट्स विल बी शेयर, डोंट वरी अबाउट इट। आप बस मुझे ये बताते चलिए क्या आपको जो बातें मैं अभी बताता चल रहा हूं ये समझ आती जा रही है या नहीं आ रही, फटाफट बताओ येस और नो। आर दीज पॉइंट्स क्लियर? जो बातें मैंने अभी यहां यहां बता रहा हूं ना, बस इन पे ध्यान देते चलो, क्या ये बातें समझ आ रही हैं? समझ ना है अभी, मैंने कुछ भी आपको नया नहीं बताया, पुराना नहीं बताया, जो बातें ऑलरेडी इंटर में पढ़ चुके वही बातें रिवाइज हो रही है। राइट सर, अब बात कर लेते हैं अगली। इसका केस क्या होगा कि सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, इसका उल्टा क्या होगा कि सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, हम कंक्लूड नहीं कर पा रहे, तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे? तो मैंने कहा अगेन हम चेक करेंगे कि क्या ये परवेसिव है या परवेसिव नहीं है। यहां पे डालते हैं इसको, या तो ये परवेसिव है या परवेसिव नहीं है। अब एक बात बताओ, सिंपल मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, सिंपल मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, हमको ऑडिट एविडेंस नहीं मिला किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेके, हमको एक ऑडिट एविडेंस नहीं मिला है किसी पर्टिकुलर चीज को लेके एंड उसका इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेके परवेसिव है, यानी मैं ये बोल दूं मुझे फाइनेंशियल परवेसिव यानी पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट करता है, तो जिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे मैं ओपिनियन देने जा रहा था
उन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड मेरे पास सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है. सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है तो मैं कुछ कंक्लूड नहीं कर पाऊंगा. कुछ कंक्लूड नहीं कर पाऊंगा तो मैं अपना ओपिनियन नहीं दे पाऊंगा. आपको ऑडिट का प्रोसेस क्लियर है ना कि आप क्या करते हो? सर सबसे पहले हम सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेते हैं, उसके बेसिस पे हम अपना कंक्लूजन करते हैं कि ये एविडेंस ठीक है गलत है. उस कंक्लूजन के बेसिस पे हम अपनी रिपोर्टिंग करते हैं, हम अपना ओपिनियन देते हैं. अगर मुझे यही नहीं मिलेगा तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा तो मैं रिपोर्टिंग नहीं कर पाऊंगा. रिपोर्टिंग नहीं कर पाऊंगा को क्या बोलते हैं? मैं अपनी रिपोर्ट इशू नहीं कर पाऊंगा, मैं अपना ओपिनियन नहीं दे पाऊंगा, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिस्क्लेमर. डिस्क्लेमिंग एन ओपिनियन इज सेइंग लाइक दैट आई वोंट बी एबल टू गिव माय ओपिनियन. मैं अपना ओपिनियन नहीं दे पाऊंगा. ऑब्वियस सी बात है, जब एविडेंस ही नहीं है तो कंक्लूजन ही नहीं है, कंक्लूजन ही नहीं है तो ओपिनियन ही नहीं है. तो मैं अपना ओपिनियन डिस्क्लेम करता हूं, मैं अपने हाथ खड़े कर देता हूं, जय राम जी की, मैं कोई अपना ओपिनियन देना ही नहीं चाहता. बट अगर गलती मटीरियल है बट वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंपैक्ट नहीं डालती तो क्या मैं तब भी अपने हाथ खड़े कर दूं? नहीं ना. तब आप क्या करोगे? सर मैं वही करूंगा जो तुम करता जब एविडेंस मिल जाता. चाहे एविडेंस मिले या ना मिले, कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है जो परमिसिव नहीं है यानी पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट नहीं करती तो ओपिनियन सेम रहेगा ना. अगर यहां पे मैं अपना ओपिनियन बदल दूं तो गड़बड़ हो जाएगी. तो इस केस में भी अपना ओपिनियन मैं क्वालिफाई ही करके चलूंगा. इस केस में भी मैं अपना ओपिनियन क्वालिफाई करके चलूंगा यानी जब जब मटेरियल मिसस्टेटमेंट परमिसिव नहीं है, फर्क नहीं पड़ता एविडेंस मिला हो या ना मिला हो, आप अपना ओपिनियन क्वालिफाई करेंगे. Is this point clear? Yes or no? क्या ये points clear? जल्दी से बताइए. SA 705 का opinion वाला जो part था, that is done. पानी वानी पीते रह करो क्लास में, ठीक है? Yes sir. बहुत बढ़िया. हाँ, सॉफ्ट कॉपी आपको मिल गई होगी पीडीएफ की, व्हाट्सएप ग्रुप पे हमने शेयर कर दी थी. यू हैव गॉट द सॉफ्ट कॉपी. नहीं भी मिली है तो आई विल ऑल्सो गेट इट अपलोडेड ऑन द गूगल ड्राइव. जो आपका गूगल ड्राइव का एक्सेस आपको मिले वहां पे आपको मिल जाएगी. राइट सर, क्लियर. छोटी सी क्विज ले लो फटाफट सर, एक छोटी छोटी क्विज ले लो. मैं आपको पॉइंट दे रहा हूं ए बी सी डी. सिंपल गेम खेलेंगे. सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल चुका है. यहां पर ऐसे कर देते हैं. Sufficient and appropriate audit evidence मिल चुका है. इसमें मिल गया, इसमें मिल गया, इसमें नहीं मिला, इसमें भी नहीं मिला. Material misstatement, है सब में. Pervasive यहां नहीं है, यहां है, यहां नहीं है, यहां है. जल्दी से बताओ क्या आंसर्स आएंगे फटाफट. फटाफट बताइए. जल्दी से बताइए क्या क्या आंसर आएंगे ओपिनियन में. आपने बताना ए बी सी डी, साथ में बताना सारा. ए का सबने सही बताया, परफेक्ट, क्वालिफाइड ओपिनियन आएगा, ग्रेट. बी का बताओ. सही है. बी का बताओ. बी बोले तो एडवर्स एविडेंस भी है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी है, परवेसिव भी है. राइट, एडवर्स आएगा. सी का क्वालिफाइड, जहां पे भी परवेसिव नहीं है फर्क नहीं पड़ता एविडेंस मिला है कि नहीं, हमारा यहाँ पे क्वालिफाइड आएगा. ग्रेट. एंड लास्ट डी का क्या आएगा? डी का आएगा डिस्क्लेम. अरे यार ये तो तुम्हारे लिए इजी हो गया. डी से डिस्क्लेम. राइट, हम यहाँ पे अपना ओपिनियन डिस्क्लेम करके चलेंगे. ग्रेट. तो चलो तुम्हारी बैठे बैठाए मस्त एक क्विज भी हो गई. अब तुमको ये बात बढ़िया तरीके से समझ आ जाएगी. सर कैसे समझ आ जाएगी? अब ध्यान से फिर से रीड करेंगे ना, अब इसको एक बार साफ कर देंगे. ग्रेट. तो ये हम अपनी बुक में नहीं कर सकते ऐसे साफ. ना 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 ना, तुमको ऐसे ही देखना पड़ेगा. जल्दी से बताओ, इन ऑल केसेस जहां पे भी रीजनेबल अश्योरेंस नहीं मिल रही, क्या मैं बोल दूं रीजनेबल अश्योरेंस नहीं मिल रही यानी ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहा, हम ऑडिट एविडेंस पे कंक्लूड नहीं कर पा रहे. देख रहे हो, समझ रहे हो, अब समझ रहे हो? यस सर. जहां पे भी रीजनेबल अश्योरेंस नहीं मिल रही यानी ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहा, हम कंक्लूड नहीं कर पा रहे, एंड
अगर ऑडिट एविडेंस नहीं मिलता तो दो ओपिनियन होते हैं, या तो क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर। ये कह रहा है क्वालिफाइड ओपिनियन इनसफिशियंट है, क्वालिफाइड ओपिनियन इनसफिशियंट है, यानी मैं बोल दूं इंपैक्ट मटेरियल भी है और परवेसिव भी। द आंसर इज यस। सो फॉर द पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग टू द इंटेंडेड यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एसेज रिक्वायर दैट द ऑडिटर शैल डिस्क्लेम एन ओपिनियन। यहां पे मैं अपना हाथ खड़ा कर दूंगा और मैं बोलूंगा मैं अपना ओपिनियन डिस्क्लेम करता हूं, यानी मैं इस केस में कोई भी ओपिनियन नहीं देता, या फिर मैं इस एंगेजमेंट से विड्रॉ कर जाऊंगा जहां पे भी ये लीगली परमिटेड है। तो ऐसे 705 में हम इस चीज में और ज्यादा डिटेल में जाएंगे, हम देखेंगे कि जब ऑडिट एविडेंस नहीं मिलता तो हमको क्या करना है। पूरा एक क्वेश्चन बनता है 5 नंबर का, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने किस चीज के साथ डील करके चलना है। डोंट वरी अबाउट इट, अभी यहां पे आपको जितनी बात मैंने समझाने की कोशिश करी है, इज दिस पॉइंट क्लियर, येस और नो? क्या अब ये वाला डब्बा आपको क्लियर हो चुका है? जल्दी से बताइए। अगर ये डब्बा क्लियर है तो हम आगे बढ़ते जाते हैं और आपको आगे की बातें समझाते जाते हैं। जल्दी से बताइए, येस और नो? इज दिस डब्बा क्लियर? फटाफट बताना यार, फटाफट बताओ। अब जल्दी जल्दी चलेंगे, अब चीजें थोड़े फास्ट ट्रैक मोड में। सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ परवेसिव अगेन? परवेसिव इज सिंपल, जैसे मैंने आपको गोइंग कंसर्न के केस में बताया था, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंपैक्टेड है, पीएनएल भी खराब हो रहा है, बैलेंस शीट भी खराब हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इट इज अफेक्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, परवेसिवली अफेक्ट कर रहा है। परवेसिव का मतलब होता है हर जगह, एक जगह गलती नहीं है, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मोटा माटी हर जगह गलती है। इसको अगर आप लेमैन टर्म्स में समझना चाहो तो समझ लो ना यार, अगर मैं बोल रहा हूं परवेसिव, इसका मतलब है 10% 20% गलती नहीं है, कम से कम 50% या उससे ज्यादा, मतलब 55% 60% मेजॉरिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़ दिख रही है, तो आप उसको परवेसिव मान के चल सकते हो। एकदम क्लियर, राइट सर, गुड। अब बात कर लेते हैं मिस स्टेटमेंट की। ये मिस स्टेटमेंट क्या बोला है? मिस स्टेटमेंट यानी गलती, मिस स्टेटमेंट यानी गलती। अब आपको कैसे पता चलेगा गलती है? अगेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनने चाहिए जल्दी से बताओ, आप बोल दो वहीं पे बैठे बैठे। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से, सिंपल है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बनने चाहिए। अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से नहीं बनेंगे, अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से नहीं बनेंगे तो फिर कैसे बनेंगे? आपने गलती करी है ना, इसका मतलब जो आपने बनाया है और जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कहता है उन दोनों के बीच में डिफरेंस है। यहीं से ये पॉइंट शुरू होता है, यहीं से ये पॉइंट शुरू होता है मिसस्टेटमेंट का। मिसस्टेटमेंट का मतलब ही है डिफरेंस। सर डिफरेंस का क्या मतलब है? डिफरेंस बिटवीन द एसीपीडी, ये देखो यहां पे मैंने लिख भी रखा है, यहां पे मैंने लिख भी रखा है एसीपीडी, यानी अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर। सर किसके बीच में डिफरेंस है? डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ अ रिपोर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम, यानी जो आपने रिपोर्ट किया है, एंड द एसीपीडी That is required, यानी जो होनी चाहिए as per the applicable FRF, यानी जो मैंने किया है और जो applicable FRF कह रहा है, दोनों चीजें मेल नहीं खा रही। There is a difference. Misstatement का मतलब ही difference है, difference between what I have reported and what is required to be reported as per the applicable FRF. Sir, किस चीजों की बात हो रही है? चार चीजों की बात हो रही है, सारे बच्चे मेरे साथ दोहराना। ACPD, Power Rangers SPD, देखते होगा कोई बच्चा तो उसको समझ आ जाएगा। ACPD यानी अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। अमाउंट स्टेटमेंट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कई सारी बातें आती है जो रुपीज के आगे लिखी होती है, उनको अमाउंट्स कहेंगे। क्लासिफिकेशन यानी फाइनेंशियल एसेट्स है, यानी अदर फाइनेंशियल एसेट्स है, करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट है। प्रेजेंटेशन, किस तरह से उसको प्रेजेंट करके चलना है। डिस्क्लोजर, योर नोट्स टू अकाउंट्स, यही सारी बातें आपने ध्यान में रखनी है कि अगर डिफरेंस है बिटवीन द एसीपीडी दैट यू हैव रिपोर्टेड एंड द एसीपीडी विच शुड हैव बीन रिपोर्टेड एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ, देन दिस इज अ मिसस्टेटमेंट। मटेरियल मिसस्टेटमेंट का क्या मतलब है? विच इज एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ एन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। इकोनॉमिक डिसीजन यानी जो डिसीजंस में पैसा इन्वॉल्व है, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर यानी जिसको पूरी नॉलेज है उसके डिसीजन को आप इंपैक्ट कर रहे हो, तो वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। दोस चार्ज विद गवर्नेंस, अगेन एक ऐसा शब्द है, ये एक ऐसा शब्द है जो आपको ऑडिट में बार बार देखने को मिलेगा। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग? दोस चार्ज विद गवर्नेंस आर द वंस जिनको हमने गवर्निंग पावर दे रखी है। गवर्निंग यानी ये टॉप लेवल पे बैठते हैं, आप इनको एक्सकॉम बोल सकते हो। सर ये एक्सकॉम क्या है? एक्सकॉम इज द एग्जीक्यूटिव कमिटी। ये है कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर्स जो कंपनी में ऊपर बैठ के मोटा मोटा पैसा के सैलरी लेते हैं और पूरी कंपनी को रन करते हैं। सो दीज आर द पर्सन्स, ऑर्गेनाइजेशंस, कॉर्पोरेट ट्रस्टी अगर कोई है किसी का, विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओवरसीइंग द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, किस तरह से मेरी कंपनी आगे बढ़नी चाहिए, ये लोग देखते हैं एंड कंपनी की एंटिटी की अकाउंटेबिलिटी लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जीक्यूटिव मेंबर, सीईओ, सीएफओ, एमडी, जो बड़े बड़े लोग होते हैं कंपनीज में, उनकी यहां पे बात हो रही है। राइट सर,
ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। यस सर। एथिकल रिक्वायरमेंट्स की बात की जाए तो यार देखो कई सारी एथिकल रिक्वायरमेंट्स के साथ काम करना है ताकि हमारी इंडिपेंडेंस मेंटेन हो सके, ताकि हमारी इंडिपेंडेंस मेंटेन हो सके। इंडिपेंडेंस का मतलब है इंडिपेंडेंस नॉट ओनली ऑफ द माइंड बट ऑल्सो इन योर अपियरेंस। जिस तरह के आपके हाव भाव होंगे उससे भी आपकी इंडिपेंडेंस झलकनी चाहिए, आपके माइंड में भी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। इंडिपेंडेंस से क्या होगा, इंडिपेंडेंस से ऑडिटर की जो एबिलिटी है टू एक्ट विद इंटीग्रिटी। सर इंटीग्रिटी का मतलब बताओ, इंटीग्रिटी मतलब आप समझ सकते हो ऑनेस्टी। इंटीग्रिटी का मतलब है ऑनेस्टी यानी सच का साथ देना। ऑब्जेक्टिविटी यानी अनबायसनेस, अनबायसनेस यानी फ्री फ्रॉम एनी बायस, फ्री फ्रॉम एनी प्रिजुडाइज, फ्री फ्रॉम एनी अनड्यू इन्फ्लुएंस जो मैनेजमेंट ऑडिटर पे क्रिएट कर सकती है। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड मेंटेनिंग एन एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म आई एम श्योर आपको कहीं ना कहीं चीजें याद होंगी। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या कहता है, शक, शक की बात करता है। शक का क्या मतलब है, मैनेजमेंट ने ये किया तो क्यों किया, ये बात आती है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। दूसरी चीज अलर्ट रहना, सोए नहीं रहना अपने को, जैसे हम क्लास में अभी है ना, अलर्ट, एकदम अलर्ट। आप, मैं ध्यान से पढ़ा रहा हूं, आप ध्यान से सुन रहे हो, वी बोथ आर अलर्ट। जहां मैंने कोई चीज इधर उधर कर दी आप पकड़ लोगे मुझे, जहां आप इधर उधर देख रहे होगे मैं आपको पकड़ लूंगा क्योंकि मुझे सब दिख रहा है, ठीक है। सब घरों में हमने कल रात को सीसीटीवी लगवा दिए हैं, जिस जिस बच्चे ने इस क्लास के लिए एनरोल किया है सबके घर में हमने एक एक सीसीटीवी लगा दिया ताकि मुझे आप सबकी स्क्रीन यहां पर दिखती रहे। मैं बिग बॉस हूं, बिग बॉस चाहते हैं आप पढ़ाई करें, ठीक है। तो वो चीजें यहां पे आपने करनी है, कुछ तो गड़बड़ है, राइट, दया, कुछ तो गड़बड़ है। तो वही चीज आपने ध्यान में रखनी है, क्वेश्चनिंग माइंड, अलर्ट टू द कंडीशंस, एंड जो भी ऑडिट एविडेंस आएगा उसको ऐसा नहीं ऊपर ऊपर से देख लिया, नहीं, क्रिटिकली असेस करेंगे, कहीं ये इनवॉइस फेक इनवॉइस तो नहीं, कहीं ये इनवॉइस फेक इनवॉइस तो नहीं, कहीं ये जो खर्चा कंपनी ने डाला है ये पैसा कंपनी की जेब में तो नहीं चला गया, ये जिस बंदे ने खर्चा डाला है ये अपनी जेब में तो नहीं डाल रहा, कहीं ये फेक एक्सपेंडिचर तो नहीं दिखा रहे हैं। यही चीजों को आपने ध्यान रखना है। तो तीन चीजें आपने ध्यान में रखनी है, क्वेश्चनिंग माइंड, आप सवाल रख रहे हो, दूसरा अलर्ट, अलर्ट रहना, चौकन्ने रहना, सोना नहीं है, क्वेश्चनिंग माइंड रखना है, सोना नहीं है, और तीसरी चीज आपने क्या करनी है, जो भी ऑडिट एविडेंस आएगा उसको क्रिटिकली असेस करना है। दिस इज ऑल अबाउट प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। सर इसका एग्जाम्पल बताओ, इसका एग्जाम्पल बताओ। पहला एग्जाम्पल हो सकता है आपको दो ऑडिट एविडेंस मिले और दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। सर दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, यानी मैं एक बैंक बैलेंस चेक कर रहा था, मेरी जिस कंपनी का मैं ऑडिट कर रहा था उसका बैंक बैलेंस, बैंक था एसबीआई। अब उसने मुझे एसबीआई की बैंक स्टेटमेंट दिखाई, ठीक है सर, बैंक स्टेटमेंट में जो बैलेंस था वो था 1000 रुपए, ओके। फिर मैंने बैंक से बैलेंस कंफर्मेशन मंगाई, जो कि मेरा एक्सटर्नल कंफर्मेशन का प्रोसीजर रहता है ऑडिट में। मैंने कहा भाई मैं तुम्हारी बैंक स्टेटमेंट पे विश्वास नहीं करता, पीडीएफ थी, ऊपर नीचे कर दी होंगी फिगर्स, मुझे तुम पे विश्वास बिल्कुल भी नहीं है, मैं बैंक से इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन लूंगा। मैंने बैंक से इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन मंगाई, उस कंफर्मेशन में बैलेंस आया 990 रुपए। इसमें शायद से मुझे इतना फर्क ना पड़े, पढ़ना तो चाहिए, बैंक का बैलेंस हो एक एक रुपए में मैटर करता है, ये भी इंपैक्टफुल हो सकता है, क्या पता कुछ गड़बड़ चल रही हो। तो यहां पे मुझे थोड़ा सा ध्यान तो देना पड़ेगा, कंपनी से पूछना तो पड़ेगा, भाई तुम 1000 रुपए कह रहे हो बैंक स्टेटमेंट में, बिकॉज बैंक स्टेटमेंट भी तो बैंक से निकली है और 990 रुपए भी यहीं से निकले हैं। जब ये मैनेजमेंट 10 रुपए की चीज के लिए ऊपर नीचे हेरा फेरी कर सकते हैं तो हो सकता है क्या बड़े बड़े फ्रॉड कर रखे हो इसने। तो आपने इसी बात को ध्यान रखना है कि ऑडिट एविडेंस जो कॉन्ट्राडिक्ट करता है दूसरे ऑडिट एविडेंस को, एग्जाम्पल बैंक स्टेटमेंट वर्सेस कंफर्मेशन। दूसरी चीज ऑडिट एविडेंस, एक बात बताओ होता क्या सर, इट इज अ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, जल्दी से बताओ ऑडिट एविडेंस क्या होता है सर, इट इज अ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन दैट ब्रिंग्स इनटू क्वेश्चन, क्या चीज पे हमारा सवाल उठता है, इनटू क्वेश्चन द रिलायबिलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड रिस्पॉन्सेज टू द इंक्वायरीज टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस। यानी जो बैंक हमको डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जो हमको इंक्वायरी हमने की, इंक्वायरी मतलब पूछताछ, हमने मैनेजमेंट से कुछ पूछा उसने जवाब दिया, हमको अब उस पर भी शक हो रहा है responses to the inquiries पे, तो फिर हमको लगेगा कि यहां पे हमको चौकन्ना रहना पड़ेगा। एग्जाम्पल हमको लगता है मैनेजमेंट अनएथिकल है, मैनेजमेंट अनएथिकल है ये कैसे पता चलेगा, मैनेजमेंट अनएथिकल है ये कैसे पता चलेगा, सिंपल सी बात है मैनेजमेंट की हरकतों से। मैं अपनी जगह, मैं जहां पे ऑडिट करने गया था, मैं गया, मैं मस्त टहल रहा था, सुनो मेरी बात, बड़ी मजे की बात है, मैं जहां ऑडिट करने गया, नोएडा में एक बहुत प्यारी कंपनी थी जिसका मैंने ऑडिट करा, मैं वहां ऑडिट करने गया, मैं मस्त टहल रहा था, मैं अपने जो कंपनी में वो जो जिसका वहां ऑडिट कर रहे थे वहां पे एक मैनेजर के कैबिन के बाहर से निकल रहा, और वो मैनेजर पता है कैसी बातें कर रहा था, इस बार तो इस कंपनी से मुझे कम से कम 200 करोड़ रुपए निकालने हैं किसी भी तरह से,
हम इस रिलेटेड पार्टी के साथ ना ये ट्रांजेक्शन कर लेंगे, हम इसके साथ ये काम कर लेंगे, मैंने उसको बोल दिया तू इतने का इनवॉइस रेज कर दियो, मैं अप्रूव करा दूंगा। क्या ये बातें सुन के अब मैं इन लोगों पे बिलीव कर पाऊंगा? क्या इन लोगों के प्रति मेरी वो सहानुभूति रहेगी? क्या इन लोगों की वो जो छवि थी मेरे माइंड में, जो मैं समझ रहा था इन लोगों को, क्या वो अब मैं इनको उसी नजर से देख पाऊंगा? द आंसर इज नो। अनएथिकल लोग हैं, गलत लोग हैं, बदमाश लोग हैं, राइट? सो ऐसे बदमाश लोग जब तुमको मिल जाएंगे जिंदगी में, क्या तुम उन पे विश्वास कर पाओगे? द आंसर इज नो। तुम हमेशा उनको शक की नजर से देखोगे। एक बार अगर कोई बंदा गलत काम कर देता है, आप उसको हमेशा शक की नजर से देखते हो। तो यही बात आपने ध्यान में रखनी है कि अगर आपको पता चल गया भाई मैनेजमेंट अनएथिकल है आपको, या फिर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिल गई विच ब्रिंग्स इनटू क्वेश्चन, सर किस चीज पे सवाल उठाती है, रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट, रिस्पॉन्सेज टू इंक्वायरीज, देन ऑल्सो यू नीड टू बी अलर्ट। तब भी आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। अगली चीज सर, अगली चीज क्या है? कंडीशंस दैट कैन इंडिकेट पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, एग्जांपल द इंटरनल कंट्रोल्स आर वीक। इंटरनल कंट्रोल्स आर वीक, सिंपल सी बात है। फ्रॉड का एग्जांपल ये हो सकता है कि मैं एक सीनियर हूं, मेरा एक जूनियर है, जूनियर ने कहा सर मैं अपनी फैमिली के साथ बढ़िया शिमला घूम के आया, शिमला जाने के लिए मेरा बहुत खर्चा हो गया, वॉल्वो बस में गए थे, वॉल्वो में वापस आए, बहुत खर्चा हुआ, वहां पे 5-स्टार होटल में ठहरे, ये किया वो किया, प्लीज सर ये खर्चे अप्रूव करवा दो ना। और सीनियर ने कहा मैं करवा दूंगा, कितने रुपए का खर्चा? उसने कहा 1,00,000 रुपए का है। उसने कहा ठीक है 1,00,000 में से 10,000 मुझे दे दियो बस, 10,000 मुझे दे दियो बस, अगर तू 10,000 मुझे दे देगा तो मैं तेरा ये खर्चा अप्रूव करवा दूंगा। क्या इंटरनल कंट्रोल सही है? द आंसर इज नो। इंटरनल कंट्रोल्स में कुछ वीकनेस है तो ये पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड दिख सकती है। अगली चीज, सर्कमस्टेंसेस दैट सजेस्ट अ नीड फॉर ऑडिट प्रोसीजर्स इन एडिशन टू दोज रिक्वायर्ड बाय एसेस। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसे ऑडिट प्रोसीजर्स करने पड़ जाए जो कि एसेस कहता है उसके भी ज्यादा एडिशनल, तो भी आपको यहां पे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म करना पड़ेगा। तो अब आपको ये चार चीजें याद रखनी है। सर चार चीजें क्या है जल्दी से बताइए। पहली चीज तो हो गई ऑडिट एविडेंस जो कॉन्ट्राडिक्टिंग है। अगर ऑडिट एविडेंस कॉन्ट्राडिक्टिंग है तो आप बोल सकते हो देयर इज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। मैनेजमेंट गलत काम कर रहा होगा तभी आपको गलत ऑडिट एविडेंस दिया। सो इट ब्रिंग्स इनटू क्वेश्चन द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, द रिस्पॉन्सेज टू द इंक्वायरीज ऑफ द मैनेजमेंट, राइट? एंड देन दीज ऑल व्हाट आर दे ऑल इंडिकेटिंग, दीज ऑल आर इंडिकेटिंग द फ्रॉड। यहां पे कहीं ना कहीं फ्रॉड है। जहां फ्रॉड होगा क्या लगता है, मेहनत कम करनी पड़ेगी ज्यादा करनी पड़ेगी? जल्दी से बताओ, क्या मेहनत कम करनी पड़ेगी ज्यादा करनी पड़ेगी? इंटरनल कंट्रोल्स वीक है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हाई है, तो क्या हमको मेहनत कम करनी पड़ेगी ज्यादा करनी पड़ेगी? जल्दी से बताओ। इंटरनल कंट्रोल्स बहुत खराब है, तो क्या अब आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी कम करनी पड़ेगी? फटाफट बताइए यस और नो, क्या करना पड़ेगा? कम मेहनत से काम चल जाएगा या ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? फटाफट बताओ, बस लास्ट 10 मिनट्स बिफोर द ब्रेक। ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो सर्कमस्टेंसेस दैट सजेस्ट द नीड फॉर ऑडिट प्रोसीजर्स इन एडिशन। इसी एडिशन को हम प्यार से बोलेंगे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये आईसीआई लिख के नहीं दे रहा कहीं पे भी कि आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, सीधा बोल रहा है एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स करो। एसेस तो बोलते हैं, एसेस का तो काम है कहना, कुछ तो एसेस कहेंगे, उनका काम है कहना, छोड़ो उनकी बातें, थोड़ा और एक्स्ट्रा एफर्ट करो। ठीक है, वो गाना पुराना हो गया, छोड़ दो बीती बातें, बीत ना जाए रहना वहना छोड़ो। तुमको बस ये याद रखना है कि अगर तुम्हारे साथ फ्रॉड वॉड की गड़बड़े चल रही है तो तुमको एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे, राइट? इसका मतलब है इन चीजों पर हमको अलर्ट रहना है। अब अगली एक बात बताओ, ये प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म से फायदा क्या होगा? कहीं ना कहीं यू विल रिड्यूस द रिस्क। किस चीज की रिस्क आप रिड्यूस कर दोगे? आप रिड्यूस कर दोगे रिस्क ऑफ वी। सर ये उही का क्या मतलब है? उही का मतलब है ओ से ओवरलुकिंग द अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस। बोलो मेरे साथ बोलना, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म से क्या होगा? वी विल रिड्यूस द रिस्क ऑफ उही। सर उही क्या क्या मतलब है? ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस, यानी जहां पे भी अनयूजुअल चीज है आप उनको ओवरलुक नहीं करोगे, नजरअंदाज नहीं करोगे, राइट? सेकेंड थिंग, ओवर जनरलाइजिंग वेन ड्रॉइंग द कंक्लूजन्स फ्रॉम ऑडिट ऑब्जर्वेशंस। यानी जब आप ऑडिट ऑब्जर्वेशंस के अपने कंक्लूजन्स वगैरह कर रहे होगे, आप जनरल कंक्लूजन्स नहीं निकालोगे, स्पेसिफिक रहोगे चीजों को लेके, राइट? ओवर लुकिंग से बचोगे, ओवर जनरलाइजिंग से बचोगे, प्लस इन अप्रोप्रिएट अजम्पशंस यूज नहीं करोगे इन डिटरमाइनिंग द एनटीई। सर ये एनटीई क्या है? जैसे आपका अभी वो पिक्चर आई थी ना RRR, उसमें पता है कौन थे? जूनियर एनटीआर थे ना आई थिंक उसमें, राइट? जूनियर एनटीआर। ऐसे अब हम एनटीई के बारे में पढ़ेंगे। सर ये एनटीई क्या है? नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। तो अगर आपको नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड करने, यानी आपको कितने सैंपल्स ड्रॉ करने, आपने कितनी मेहनत करनी है ऑडिट में, उसके रिगार्डिंग आप अपनी अजम्पशंस ठीक ठाक बनाओगे, आप इनअप्रोप्रिएट अजम्पशंस नहीं बनाओगे।
बस आपने ये तीन चीजें बता रखनी है, क्या होगा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म से, इट विल रिड्यूस द रिस्क ऑफ वी। सर वी का क्या मतलब है, ओवर लुकिंग, ओवर जनरलाइजिंग एंड मेकिंग इन अप्रोप्रिएट अजम्पशंस। आप इन अप्रोप्रिएट अजम्पशंस से बच जाएंगे, ओवर लुकिंग, ओवर जनरलाइजिंग एंड इन अप्रोप्रिएट अजम्पशंस, ये तीन चीजों से आप बच जाओगे। ओवर लुकिंग वॉट अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेज, ओवर जनरलाइजिंग द कंक्लूजन विच आर ड्रॉन फ्रॉम द ऑडिट एविडेंस एंड making inappropriate assumptions regarding the NTE of audit procedures. This is all about your professional skepticism. Got it? जल्दी से बताइए क्या ये बात समझ आ गई है? अगर ये बात समझ आ गई है, हाँ सर ये बात समझ आ गई है, फटाफट आप क्या करेंगे, फटाफट आप क्या करेंगे, जल्दी से ये अलर्ट वाले पॉइंट्स और रिड्यूसिंग द रिस्क वाले पॉइंट्स को एक बार फटाफट देख लीजिए। जैसे ही इनको आप एक बार कवर कर ले मुझे बताइएगा, अभी इनको याद करके खत्म ही करो। पहली बात तो ऑडिट एविडेंस ऐसा मिला है जो दोनों में मेल नहीं खा रहा। अगर ऑडिट एविडेंस कॉन्ट्राडिक्टिंग है तो कहीं ना कहीं दिट विल ब्रिंग इनटू क्वेश्चन द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस एंड जो भी हमें रिस्पॉन्सेज मिले टू इंक्वायरीज, प्लस दीज विल ऑल डिपिक्ट द कंडीशंस विच आर रिलेटेड टू फ्रॉड। अगर फ्रॉड होगा तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, बोलो ज्यादा करनी पड़ेगी। तो सजेस्ट फॉर नीड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स इन एडिशन टू दोज रिक्वायर्ड बाय एसेस। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म से क्या होगा, इट विल रिड्यूस द रिस्क ऑफ वी। सर वी का क्या मतलब है, ओवर जनरलाइजिंग, ओवर लुकिंग एंड इन अप्रोप्रिएट अजम्पशंस। फटाफट इन पॉइंट्स को याद कर लीजिए। और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब तीन चीजें, क्वेश्चनिंग माइंड, क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द ऑडिट एविडेंस एंड बीइंग अलर्ट टू द कंडीशंस। आपने चौकन्ना रहना है। फटाफट इनको गो थ्रू करिए, खत्म करिए बोल के एंड मुझे बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से एक बार आप इनको देख लीजिए पॉइंट्स को, फटाफट इनको आप कवर कर लीजिए। अगर आपको करना है तो आप थोड़ी नोटिंग वगैरह भी इसकी करके चल सकते हो, जस्ट टू चेक वेदर यू आर एबल टू रिकॉल इट और नॉट। फटाफट करिए और मुझे बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप बोल बोल के भी इसको कर सकते हो, जस्ट स्पीक एंड लर्न। जितना आप बोलोगे, जितना आप समझोगे, उतना ज्यादा चीजें आपके माइंड में जाएंगी। डन, ग्रेट। इसको ना आप ऐसे भी कर सकते हो, मैं बताऊं कैसे, लेट मी हेल्प यू आउट। ऑडिट एविडेंस कैसा था, ऑडिट एविडेंस पहला पॉइंट याद रखना बस, कॉन्ट्राडिक्टिंग। अगर ऑडिट एविडेंस कॉन्ट्राडिक्टिंग मिल जाएगा तो दो चीजें होंगी, पहली बात इंडिकेशन ऑफ फ्रॉड, राइट, कि यहां पे कहीं ना कहीं फ्रॉड चल रहा है। दूसरा क्वेश्चन ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ अदर इंफॉर्मेशन दैट यू आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम द मैनेजमेंट। जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी तो क्या आपका कम प्रोसीजर से काम चल जाएगा या ज्यादा करने पड़ेंगे, ज्यादा करने पड़ेंगे। प्रोसीजर्स इन एडिशन टू दोज रिक्वायर्ड बाय एसएस, एसएस से ज्यादा आपको प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे। तो इस तरह से आप अपना एक माइंड मैप बना के चल सकते हो। ये माइंड मैप आप अपना दिमाग में रख के चल सकते हो कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हमको
किस टाइम पे अलर्ट रहना चाहिए, राइट। ठीक है, ये एग्जांपल्स है जहां पे आपका चौकन्ना आपको होना जरूरी है, और इससे होगा क्या, इट विल प्रिवेंट यू फ्रॉम उई ओवरलुकिंग, ओवर जनरलाइजिंग एंड मेकिंग इनअप्रोप्रिएट अजम्पशंस। गॉट इट, डन। ये नोट डाउन कर लो, अगर भले ही करना है तो। ये डायग्राम एक बार बना लोगे तो खुद भी दिमाग में ये चीज अच्छे से बैठ जाएगी। तेरी झलक ये क्या हो रहा है, अच्छा मेरे स्क्रीन पे है। ठीक है, नोट डाउन कर लिया, इसको इसको बना लिया डायग्राम को, फटाफट बताओ, इज दिस डायग्राम डन? अरे बोलो भाई, सो गए क्या सारे के सारे? जल्दी से बताओ भाई, फटाफट, वेल्थ एनर्जी ऑन मैन, वेयर आर यू मैन, कहां हो तुम सब? पिक ले लिया मोबाइल से, वाह जी वाह, वाह जी वाह। पता है मोबाइल में इतनी सारी पिक्स इकट्ठी हो जाएंगी ना, तुम्हारी घूमने की पिक, तुम्हारी सेल्फीज वाली पिक्स, तुम्हारे स्क्रीनशॉट, तुम्हारी ये वाली फोटो, वो वाली फोटो, ऑडिट तो भाई साहब हो ही जाएगा बीच में सारे समंदर में। शांति से लिखो इसको चुपचाप, मैं समय दे रहा हूं ना, मैं समय दे रहा हूं, ऐसा तो नहीं मैंने कहा टाइम नहीं दिया। उड़ो चाप, कह रहे नींद आ रही है, ऐसे कैसे नींद आ रही है तुमको? पानी वानी पियो, तुम्हारे वाटर वाटर रखिए, पानी वानी पियो, मुंह धो, सुबह आते कैसे हो तुम? हैं, टाइम पे सोया करो सबसे पहले तो, समय से सोगे, समय से उठोगे, अपने आप सारी चीजें तुम्हारी लाइन पे आ जाएंगी। लिख लिया सर जी, वेरी गुड रोशनी, देखो रोशनी कितनी बढ़िया रोशनी डाल रही है कि पढ़ो तमीज से, एंड तुम समझते नहीं हो यार, वेरी गुड रोशनी, गुड गर्ल। अब बात कर लेते हैं एक और बढ़िया टॉपिक की, जिसका नाम है प्रोफेशनल जजमेंट। प्रोफेशनल जजमेंट की बात कर लेते हैं, व्हाट इज प्रोफेशनल जजमेंट? इधर देखो, यहां मत देखो, इधर देखने की जरूरत नहीं है, यहां देखो, यहां, वेरी गुड, निकिता टी पी रही है, वेरी गुड। अब देखो जजमेंट क्या होती है, जजमेंट इज बेसिकली योर ओपिनियन। मैं किसी को जज कर रहा हूं, यानी मैं अपना एक ओपिनियन बना रहा हूं किसी चीज के बारे में। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या लगता है जजमेंट किस चीज से बनती है? चार्टर्ड अकाउंटेंट को छोड़ो, हमारी जजमेंट किस चीज से बनती है? सर हमारी जजमेंट बनती है हमारे एक्सपीरियंस से। हम जो चीजें पढ़ते हैं, हम जो चीजें समझते हैं, उससे हमारी जजमेंट बनती है। जो हमारा एक्सपीरियंस होता है, जिन लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं, उससे हमारी जजमेंट बनती है। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के एक्सपीरियंस में क्या क्या आता है? दो ही चीजें, या तो उसने सीए इंटर, सीए फाउंडेशन, सीए फाइनल क्लियर करे हैं, या उसने आर्टिकलशिप करी है। यही दो चीजें हैं जो उसकी जजमेंट बनाएंगी। जजमेंट का क्या मतलब है? जब उसको ऑडिट करना होगा तो वो अपना दिमाग चलाएगा। दिमाग चलाने को बोलते हैं जजमेंट। तो जजमेंट ये आपको बोलता है कि नाउ यू विल बी अप्लाइंग द रेलिवेंट ट्रेनिंग, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। जो भी आपने दिस इज द लास्ट टॉपिक बिफोर द ब्रेक, इसके बाद मैं आपको ब्रेक दे दूंगा। आपने जो भी ट्रेनिंग ली है, जो भी आपने नॉलेज इकट्ठी करी है सीए फाइनल की, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है अब तक, जब आप उसको अप्लाई करने जाते हो, उसको हम प्रोफेशनल जजमेंट बोलते हैं। सो द एप्लीकेशन ऑफ ट्रेनिंग, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विद इन द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडेड बाय ऑडिटिंग, अकाउंटिंग एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स इन मेकिंग इन्फॉर्म डिसीजंस। आप अपने डिसीजंस एकदम बढ़िया तरीके से ले पाओ अबाउट द कोर्स ऑफ एक्शन दैट आर अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। सिंपल गेम इन्होंने यहां पे बोल दी, जहां आप अपना माइंड अप्लाई करते हो इन मेकिंग द डिसीजंस। सर ये कौन सी चीजें हम अप्लाई कर रहे हैं? एप्लीकेशन ऑफ रेलिवेंट ट्रेनिंग, जो भी आपने ट्रेनिंग ली है आर्टिकलशिप की, जो आपने नॉलेज इकट्ठी करी है सीए फाइनल में, जो भी आपका पूरा एक्सपीरियंस रहा है, जब आप ऑडिटिंग में, अकाउंटिंग में या एथिकल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आपको डिसीजन लेने, एथिकल स्टैंडर्ड्स के डिसीजन में आपको समझाऊंगा, जब हम कल प्रोफेशनल एथिक्स के साथ स्टार्ट करेंगे, आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। तब तक के लिए इतना समझो, प्रोफेशनल जजमेंट इज जस्ट एप्लीकेशन ऑफ जो भी आपने अभी तक सीखा है, राइट सर? क्या इसका डेफिनेशन का रट्टा लगाना है? बिल्कुल भी नहीं लगाना। कभी आईसीएआई आपसे नहीं पूछने वाला प्रोफेशनल जजमेंट क्या होता है। यू जस्ट नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग व्हाट डू वी मीन बाय प्रोफेशनल जजमेंट। जो भी अभी तक हमने सीखा है उसको बस हमको अप्लाई करना आना चाहिए। कहां कहां पे प्रोफेशनल जजमेंट की जरूरत पड़ सकती है, जस्ट रीड थ्रू दीज पॉइंट्स। हमको ऑडिट में मटेरियलिटी डिसाइड करनी होती है, ऑडिट रिस्क समझनी होती है, वहां पे जजमेंट लगेगी। सर ये मटेरियलिटी और ऑडिट रिस्क के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं?
ये आपको यहां पे मैं ब्रेक के बाद एक बार एकदम अच्छे से समझा दूंगा कि ऑडिट रिस्क में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, सारी बातें हम एक बार करके चलेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। बस अभी इतना समझो यहां पे जजमेंट इन्वॉल्व होगी, देन अगेन जितनी रिस्क होगी उसके हिसाब से हमको अपने ऑडिट प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे, तो वहां पे भी जजमेंट इन्वॉल्व हो गई। ऑडिट प्रोसीजर करके क्या मिलता है, सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो जो भी ऑडिट एविडेंस हम इकट्ठा करेंगे उसको चेक करना कि ये सफिशियंट है, अप्रोप्रिएट है, सफिशियंट यानी क्वांटिटी ठीक है, अप्रोप्रिएट यानी क्वालिटी ठीक है, उसमें भी हमारी जजमेंट लगेगी। एंड अगेन अपनी जजमेंट लगाएंगे मैनेजमेंट की जजमेंट को चेक करने के लिए। देख रहे हो साइकिल, देख रहे हो मैनेजमेंट ने जजमेंट लगा के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, अब ऑडिटर अपनी जजमेंट लगा के चेक करेगा कि मैनेजमेंट की जजमेंट ठीक है कि नहीं। मजेदार लग रही है बात, मैनेजमेंट ने जजमेंट लगाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, ऑडिटर अपनी जजमेंट लगा रहा है ये चेक करने के लिए कि मैनेजमेंट की जजमेंट ठीक है कि नहीं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो ऑडिट एविडेंस मिला है उससे हम अपने कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। तो क्या मैं ये बोल दूं पूरा ऑडिट के प्रोसेस में ही जजमेंट इन्वॉल्व है? पहले मैंने रिस्क असेस करी, रिस्क असेस करने के बाद मैंने देखा मुझे कितने ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करना है, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, फिर ऑडिट एविडेंस जो इकट्ठा किया वो चेक किया है सफिशियंट है, अप्रोप्रिएट है, उसके बेसिस पे जो कंक्लूजन ड्रॉ करे उसमें जजमेंट लगी और मैनेजमेंट की जजमेंट के लिए भी अपनी जजमेंट लगाई। ये तो बड़ी सिंपल बातें कर दी सर आपने, सिंपल ही है। इज आर दीज पॉइंट क्लियर? क्या ये कहां पे जजमेंट इन्वॉल्व होती है, ये पॉइंट क्लियर है? क्लियर है तो मैं तुमको ब्रेक दे दूंगा, ठीक है? ये मेरा तरीका है तुमसे क्लियर निकलवाने का। क्या ये पॉइंट्स क्लियर हैं? अगर तुमने बोला हां तो तुमको ब्रेक मिल जाएगा, अगर तुमने बोला ना तो मैं तुमको आधा घंटा और पढ़ाऊंगा। जल्दी से बताओ क्या ये पॉइंट क्लियर है, यस और नो? जल्दी बोला बच्चों प्यारे वालों, फटाफट बता दो। सर क्लियर है, ठीक है जी। नाउ इज द टाइम फॉर द ब्रेक, ब्रेक पे जाइए और ब्रेक के बाद वापस आइएगा जल्दी। सर ब्रेक कितनी देर का है? सो द ब्रेक इज ऑफ 10 मिनट्स। 10 मिनट का ब्रेक है, 10 मिनट के ब्रेक पे जाइए और फटाफट आपसे ब्रेक के बाद मिलते हैं, ठीक है? देवी और सज्जनों, ब्रेक के बाद मिलते हैं।